ऐसा घर है ये सेलिब्रिटीज जिसमें प्लीज ऐसी चीज करते जाओ सबसे हटके तुम कटके तुम एंटरटेन खाना मजे का जब पके काम बने और मेहमान रहे अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं देखो कैसा घर है ये अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान अहले ईमान और प्यारी प्यारी कौम आपको आज 18वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर से हमने 18वां रोज़ा रखा और ये रोज़े इतनी तेज़ी से 15 के बाद तो ये एक के बाद एक गिरते जाते हैं गिरते जाते हैं और बस लग रहा होता है कि अब सर पे ईद आ गई। माशाल्लाह खुदा ने रमज़ान मुबारक का तोहफ़ा ईद की शक्ल में दिया, लेकिन जब ये रमज़ान गुजरने लगते हैं ना तो फिर ये अंदर से भी वो होने लगता है कि यार ये रमज़ान गुजर रहा है गुजर रहा है गुजर रहा है। तो इसका एक एक दिन एक एक पल जो है इसको रहमतें बरकतें माफियां मांगें अपने लोगों के लिए जितनी मांगना है जितना कुछ समेटना है आप समेटें, जितनी नेकियां कर सकते हैं। वैसे तो आप हम सबको ही 12 महीने नेकियां करनी चाहिए, मगर हम ये होता है कि कुछ एक ऐसी फ़िज़ा बनी होती है शायद वो सारे अच्छे काम बकिया दिनों में हम नहीं कर रहे होते, सच्ची बात है, लेकिन इन दिनों में हम एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे होते हैं और जो हमारे घर की हेल्प होती है या ऑफिस में लोग हमारे साथ काम कर रहे होते हैं हर एक को इंसान इन दिनों में स्पेस दे रहा होता है, टॉलरेट भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है। खुदा करे कि हमारा ये मिजाज सारे साल रहे। एनीवेज तो मेहमान नवाज में अहले पाकिस्तान आपका खुश आमदेद। आप रोज़ाना ये प्रोग्राम हमारा देखते हैं 6 से 9 बजे तक। हमारी टीम अपनी पूरी कोशिश में कि आपको अच्छे से अच्छा आपने देखा होगा आहिस्ता 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 जैसे जैसे इस प्रोग्राम का सफ़र गुजर रहा है, 4 ग्रुप गुजर गए, 5वां ग्रुप यानी ग्रुप ई आ चुका है, उसका दूसरा दिन है, प्रोग्राम में बेहतरी आ रही है, चीज़ों में बेहतरी आ रही है, मेरे कैमरामैन से लेकर क्रू से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर मेरे MCR के स्टाफ तक हम सबको अपने अपने काम बेहतर समझ में भी आ गए हैं, पता चल भी गया है। अब तो बल्कि ये धड़कने लगा है दिल कि यार ये रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। खैर एनीवेज हम Season 1 की बात कर रहे हैं, ग्रुप ई का आज दूसरा दिन और आज कौन जाएगा मेज़बान खाने में ये तो करेगा वक्त डिसाइड या फिर आज शेफ़ डिसाइड करेंगी, क्योंकि शेफ़ आखिर बिग बॉस हैं इस प्रोग्राम की। आपकी बहुत सारी तालियां हमारे मशहूर ज़माना शेफ़ फराज और शेफ़ मरियम के लिए। इतने दिन देर खड़ा होना पड़ता है, अब पूरे रमजान मेरे पैरों में दर्द होने लगी है तो आज जरा फ्लैट शूज पहने। मरियम हाउ आर यू? बहुत आला बहुत आला पाकिस्तान में बहुत आला मजबूर टू बी आला ओके अच्छा मजबूर टुडे आई लर्न इट मजबूर आई एम ऑलवेज मजबूर टू बी आला पाकिस्तान और करे झूले पे आई एम ऑलवेज मजबूर आई मजबूर टू बी आला। बहुत सारी तालियां मेरे शेफ जजेस के लिए और आज मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल नहीं बताऊंगी 18वें रोजे पे हमारे प्रोग्राम को किस किस ने स्पॉन्सर किया, मैं क्यों बताऊं, मेरी ड्यूटी है रोजाना। मरियम नाउ यू विल अनाउंस द एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स। यस मेहमान नवाज प्रेजेंटेड बाय कश्मीर बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल पावर्ड बाय किनोर सर्फ एक्सेल एंड कायाबान अमन हाउसिंग शेम नो स्कीम ओके स्कीम in association with service shoes nisat linen rose petal michelle's pepsi 7-up gift courtesies by corcodia college socamal lawn olivia colgate palmolive fotil kitchen meet one and bridge power batteries. Thank you so much mariam.
मेरा बर्डन ले लिया आज मरियम ने. क्या बात है जी, बर्डन नहीं है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं जी, इन सब के लिए बहुत सारी तालियां. और इसी के साथ पाकिस्तान बुलाएंगे ग्रुप ई के चारों कंटेस्टेंट्स को. आज बड़ी रिलीव्ड हैं अस्मा अब्बास, क्योंकि आज बारी नहीं आएगी, कल वो पका चुकी हैं. आपकी बहुत सारी तालियों में अस्मा अब्बास, असद मलिक, नसीम विक्की और विनीत अहमद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आइए आइए आइए. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम. आज तो तीन लोग बहुत स्ट्रेस में हैं और एक इनमें से एक खातून का स्ट्रेस सब निकल चुका है. खंदों वंदों पर कोई बोझ नहीं. मेरे कपड़ों से नजर नहीं आना स्ट्रेस. हाँ, आज तो पता चल रहा है फुल टाइम ग्लैमरस बन के ना. मुझे लग रहा है आप मोस्ट ग्लैमरस वाले अवार्ड के लिए भी कर रही हैं कोशिश. मेरी कोशिश नहीं, मैं हुई ऐसी. दरअसल मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, तो मैं किचन में जाऊँ तो वैसे पहनती हूँ. अच्छा, आप जिंदगी में मैं ऐसी हूँ, घर तो आओ जरा. अच्छा, सच धज के जबरदस्त. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और ऐसे ही बंदे को खुश रहना चाहिए. बिल्कुल. असद डर रहे? हाँ, डर तो लगता ही है. डर तो लगता है, इज्जत का मामला है. आज तक लोग स्टार देखते आए इतना बड़ा. अगर आज आपकी बारी आ गई तो पकाना पड़ेगा और पूरा भी करना पड़ेगा. इनको भी खिलाना पड़ेगा, इनको भी खिलाना पड़ेगा. इनको तो पकाना पड़ेगा, हमें खाना पड़ेगा. हमें खाना पड़ेगा. हैं ये बात तो ये है ना. लेकिन भूले नहीं कि आपको भी हो सकता है पकाना पड़ जाए. ऑब्वियसली पकाना तो आज या कल. पकाना तो है. हाँ जी. ये तो एक. तो फिर ये भी खाएंगे. छुरी के लिए की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ नहीं, बकरा कब तक खैर मनाएगा? और मैं अब बिल्कुल नहीं कहूंगी. मुझे लगता है विनी विनी आराम से है अब के बस जो भी आएगा सह लूंगी जबरदस्त. हैं? मैं बड़ी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट है, कोई मसला नहीं. ओके जी, तो पाकिस्तान आज हम आपसे वोटिंग नहीं करा रहे. हमारा नहीं जा रहा भाई, इतनी तो हमारी मर्जी चलनी चाहिए. आज आपसे वोटिंग नहीं करा रहे. आज हमने सोचा कि अपने शेफ से पूछते हैं. कभी तो शेफ को भी ये इख्तियार दे देना चाहिए कि आप बताएं दोनों कि इन तीनों में से मरियम, यू एंड शेफ राहत हैव टू डिसाइड टुडे हु इज गोइंग टू कुक. देखिए मैं तो आज कपड़े वो पकाने वाले नहीं आई. नहीं, पकाने वाले अब ये तो कोई ये तो अब इसी चमक दमक में आपको सोच के आना चाहिए था. अगर मैंने भी ग्लैमरस वाला भी तो जीतना है ना. ओहो, और इनकी मैंने देखे कपड़े तो मैंने कहा आज तो बस ये तो चाइना से डायरेक्ट पजामा आया है. शिंगाई 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 चौंग चौंग. हाँ जी, तो क्या कहेंगे आप लोग? I think we will see one of the gentlemen today. जो ज्यादा दूल्हा बना हुआ है ना उसको भेजना चाहिए. जो ज्यादा दूल्हा बना हुआ है. असद, आप दूल्हा तो ज्यादा आप लग रहे हैं, वो तो अंग्रेजी वाले लग रहे हैं. हाँ, वो मिस्टर टॉम. आप आपके जी बिल्कुल, मेरा इशारा इन्हीं की तरफ. इन्हीं की तरफ है. भाई तैयार हैं आप लोग? असद के हाथ तक खाना खाने के लिए तालियां बजेंगी आपकी. बंदा शायद कपड़े पहनते आज भूल गया था कि मेरी बारी भी आ सकती है. सही, लेकिन जानबूझ के दूल्हे वाले कपड़े पहने के कहीं पकाना ना पड़ जाए. बड़े नॉर्मल से कपड़े हैं, लेकिन अगर इसका मतलब है वो कह रही है तुमको अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब. अच्छा, तो असल आप ये बताएं कि आप यहाँ अगर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है. यहाँ आए और अपनी चॉइस ऑफ डिशेज जो आप खुद सोच के आए हैं, जैसे कि आपको मालूम है प्रोग्राम में दो डिश आप खुद बना सकते हैं और एक टास्क आपको दिया जाएगा बाय आवर शेफ जजेस. जी मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसकी रेसिपी भी आसान हो, जिसको बनाना भी कोई ज़्यादा भूखा हो तो जल्दी भी बन जाए और आसानी से भी बन जाए और उसमें ज़्यादा मेहनत भी ना, यू नो, रेसिपी मुश्किल ना हो उसकी. तो मेरे जहन में था आलू गोश्त, सॉरी आलू कीमा. आलू कीमा मिक्स मीट के साथ मटन और आलू. अच्छा. और मीठे में मेरे जहन में ऐसा सच कुछ था नहीं, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं मेरे ख्याल में. आजकल मैंगो का सीजन है तो मैंगो डिलाइट कर लेते हैं. मैंगो डिलाइट. नया उगाएंगे आप? कोशिश तो यही होगी कि नया ही हो. एक बार पहले भी असद भाई ने कीमा पका के खिलाया था तो मुझे कहते कैसा है. मैंने कहा इसकी एक खसूसी ये है कि खसूसियत ये है कि ये एक बार फिर पक सकता है. <laughs>
बात सुने वैसे ये धांधली नहीं है कि ये सिर्फ एक आलू की माँ इतना बड़ा आदमी पकाएगा और बस खत्म। मैंने चार चार हांडियां बनाई मेरे तरफ से। क्यों भाई ये सुन ले, ये तो जाती है बहुत। आप फिक्र ना करें, हफ गई मैं, बेहोश हो गई। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, आपकी रिस्पेक्ट में मैंने आपकी बात को कबूल किया। हाँ। और मैं आपको उसके अलावा भी एक दो चीजें हाँ। दूंगा। नहीं, एक तो वो बताएंगे मुश्किल वाली। जी जी, एक टास्क जो आपने देना है मरियम और शेफ राहत, हम दोनों ने डिसाइड किया कि आपको कोई सी दाल बना के खिलाएं। दाल किसी ने नहीं बनाई अभी तक ना। दाल सारी वे दाल शाही टुकड़े बने थे वो, उसको मैं दाल समझी। दाल और राइट चावल, शाही टुकड़ों का रंग ऐसा था जैसे दाल का या कड़ी का होता है ना रंग है। वो जो नूर ने शाही टुकड़े, ठीक है ये मेरे लिए चैलेंज है, मैंने कभी दाल नहीं पकाई। वो मेरी यादों में है, मैंने कभी दाल नहीं बनाई। ये मेरा पहला दिन होगा इंशाल्लाह, मैं अल्लाह अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा, दुआ करूंगा कि बस अच्छी बन जाए और आपको ठीक लगे। बस कीमा ही अच्छा बन जाए, यही बहुत बड़ी बात। दाल ऑफ एनी ऑफ हिज चॉइस, कोई भी दाल आप अपनी चॉइस की बना सकते। सो दाल आप जरा एक चीज बताओ, जब मैंगो डिलाइट होता क्या है? मैंगो डिलाइट होता है क्या बनाना? तो मैंगो डिलाइट जिसमें मैंगो पड़ा हुआ हो डाला हो और आपको वो डिलाइट दे दे कर दे और उसके अंदर चीजें होंगी, मैं वहीं पे आपको बताऊंगा, मतलब ऑन एयर साथ बताता जाऊंगा और फिर बता। असल ये बताइए, ये ट्राइफल की कोई नकल तो नहीं होगी? जी नहीं, जी जी बिल्कुल खुदा के वास्ते ना, इसमें कस्टर्ड नहीं होगा। जी जी, इसमें कस्टर्ड नहीं होगा। मेरी शक्ल देख के ट्राइफल का नाम लेती है, मैंने भी ट्राइफल बनाया था और अतीका जी ने भी ट्राइफल बनाया था। उसके बाद इन्होंने कहा मैं आज से ट्राइफल खाना छोड़ी हूं, दोनों का खाने के बाद। असद को हम बहुत सारी तालियों में रुखसत करेंगे आपके स्टार को मेजबान खाने की तरफ। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके पाकिस्तान, यहाँ पे लेंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं मेहरबान कदरदान असद का इस्तकबाल कैसे करते हैं। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं, मेहमान नवाज। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं, मेहमान नवाज। देर नहीं लगाएंगे, देर नहीं लगाएंगे, जैसे रोजे माशाल्लाह जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, हम बिल्कुल ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ को ड्रैग करें अपने प्रोग्राम में। मेहमान नवाज में फौरन जाएंगे, देखेंगे कि मेहरबान कदरदान आज ग्रुप ई के दूसरे दिन किस मूड में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका शाइस्ता? ये आप सिर्फ मेहरबान ही नजर आ रही है, कदरदान नहीं आज? कदरदान रास्ते में होंगे कहीं पे, अभी तक तो पहुंचे नहीं है और अल्लाह खैर। एक एक को देख लूंगा मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत है तो हमारे कैमरास के सामने आके बात करो। जान लेवे हमले होने शुरू हो गए शाइस्ता। क्या मतलब? हाँ मतलब अपने अपने दोस्त यार, मतलब मुझे मुझ पे मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, कोई गोली यहाँ से जा रही थी, कोई यहाँ से। यार मैं निकला हूँ, मैं शूट पे आ रहा था, रास्ते में मोहिब मिर्जा का मैनेजर इतने सारे लोग लेके बोला आज तू सड़क पे खाना बनाएगा, तुझे पता चलेगा खाना बनाते हुए किसी को तंग करते तो कैसा होता है। मैंने कहा भैया मुझे भी इसके पैसे मिल रहे, तुझे भी उसके पैसे मिल रहे थे, तीन दिन से वो भाई मुझे यूं देख रहा होता था। ओ आज दुश्मनी आप लोगों की पैदा होने शुरू हो गई ना जी, आप बच के रहिएगा इससे। नहीं जो जो वो सारे सेलिब्रिटी शेफ्स जो कि सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। शाइस्ता मैं तो मेहरबान हूं, मैं तो कोशिश करती हूं कि जितना जिसके साथ किया जा सके। ये तो कोशिश करी सारे पहुंच जाए। हम मुझे सांस को दुरुस्त करने दे। गेस्ट आ गए, हमारे गेस्ट आ गए। यस आज के मेजबान खाने के मेजबान आ गए हैं हमारे पास। मेरा रेड होते होते बचा है। वेलकम करते हैं ना जी असद को। जी असद, असद इन किचन। अच्छा वैसे असद, मैंने आपके एक हिडन टैलेंट, मुझे पता नहीं था कि आपको अरबी भी आती है और पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस, आप मुझे पता चला है आपको बड़ा लैंग्वेज सीखने का शौक भी है भाई, कितनी आती हैं आपको ज़बानें? पर्शियन आती है, जर्मन आती है और अरबिक आती है। मेरी सबसे फेवरेट वैसे अरबिक ही है। शर्म आती है? हाँ क्या कह रहे हैं? शर्म अभी सीखनी पड़ेगी। गुड आंसर। ठीक है जी स्टार्ट करें सर। जी जनाब बिल्कुल करें। आपको सारे पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू ऑल पाकिस्तान और आपका टाइम स्टार्ट हो गया अब लेट्स डू इट बॉयज एंड गर्ल्स नो ओनली यू विल डू इट मेरा ख्याल है ये वाइट मैच रहेगा क्योंकि ब्लैक है तो उसको ब्रेक देने के लिए थोड़ा एस्थेटिक मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा अच्छा पहले से सेलेक्ट की नहीं ये चीजें नहीं वो मुझे मेरा फेवरेट कलर है ओके अच्छा जी और कैंडल्स भी होनी चाहिए कुछ जी बिल्कुल ये नहीं थोड़ी जरा मैचिंग उसके साथ थोड़ी सिंपल सिंपल भी रखें नाइस कैंडल्स भी आ गई मैथ्स के लिए बड़ा डार्क कलर चूज किया है असद ने हां वो तो वो बाद में हमारे फ्रिज में मौजूद हां मैंने कीमा बिल्कुल मीट वन का कीमा ऊपर है हां ये अली बताएंगे किसका कीमा है अली मीट वन का कीमा मीट वन कीमा हो मछली हो या हो झींगे पहले हम वो ले लें उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले क्रॉकरी की तरफ चलते हैं हम लोग अली फ्रीजर को अच्छी तरह बंद करते हैं वाह जी आप पास से मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा ठीक है इंटरेस्टिंग गाइस आलू कीमा सर्व किसके साथ होगा ये ऐसा होगा कि आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं लेकिन हमें रोटी रोटी पकानी रोटी का भी इंतजाम किया हुआ है इंतजाम नहीं पकानी पड़ेगी ना नान नान ये रोटी नान मैं पूछना चाहूंगी असद आप क्या समझते हैं इसके साथ घर की रोटी होनी चाहिए या नान होनी चाहिए तवे पे पकी हुई रोटी तो हमेशा से ही मेरी पहली ऑप्शन होती है लेकिन जब वो ना हो तो फिर क्यों ना ना हो सालन के साथ जो जा रहा हो वो क्यों ना हो भाई असद विनी कह रही है क्यों ना हो भाई आप पकाएं रोटी ओ ये ग्रुप भी समझ गया नान आप खुद बनाएंगे या बाहर से लेकर आएंगे चलो क्या कह रहे हैं नान आप खुद बनाएंगे या बाहर से मंगवाएंगे नहीं जी अभी नान बनाने नहीं सीखे मैंने एप्रन उतार के फटाफट बाहर जाएंगे फिर लेकर आएंगे अल्लाह करे सारे तंदूर बंद हो क्या क्या ले रहे हैं भाई हो सकता है जी 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 वसीम साहब कुछ कह रहे हैं इनका ख्याल भी करना सारा वो गाड़ी में भी रखवा लेते हैं अच्छा चाय के लिए कौन सा चाय के लिए मैं चूंकि कावे पे जाना चाहता हूं तो या तो ग्रीन वैसे हमारे पास ये भी है देखें कावे के लिए सी टीवी के हां ये बड़ा वैसे वेरी क्यूट से ये क्यूट है आई थिंक ये बेटर चॉइस थैंक यू वेरी मच यू आर वेलकम इट वाज जस्ट अ सजेशन और वो सजेशन उनको पसंद आ गया ना वाओ एक बार फिर नाजिया की सजेशन पसंद आ गई तालियां तुम पहले ये काम तो तुम कर लो यार थोड़े से तो मतलब सो मट्टी का पैन ओए क्ले पॉट में बनेगा खाना यस ये और सर्व सर्व करने के लिए हां ये छोटी वाली हो सकती है सर्व करने के लिए ये है इसमें सर्व किया जाएगा तो ये मैं सेकंड थॉट अच्छा चलो दाल के लिए ये है एहतियातन आपने रख लिया दाल के लिए ठीक है आप और कुछ नहीं तो इसमें हमारे जजेस को खाना भेज सकते इन्होंने बर्तन ज्यादा नहीं कर लिए वही तो कह रही है ना हां हां ठीक है जाएगा बाकी घर लेके जा अभी से ऑब्जेक्शंस आना शुरू हो गए इतराजात आ रहे हैं अरे इसी का तो मजा है नसीम की तरफ से आ रहा है कि इनको मुझे लगता है इन्होंने बर्तन ज्यादा शॉप कर लिए नहीं नहीं उन्होंने अस्मा अपा ने जो है वो एक एक चीज उठाई थी इन्होंने पूरे पूरे सेट ही उठा लिए इसलिए टाइम लगा ये अपने अपने हिम्मत की बात है अब हम जाते हैं खाने वाली चीजों के ऊपर exactly. आपके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मौजूद हैं अच्छा पहले लाके रख बिल्कुल क्या बात है थैंक यू सो मच आप बताइए पता ना ये कीमा होता है हाँ. यार ये कौन सा कीमा है मटन कीमा बनाने वालों ने हमेशा चिकन का इंतखाब किया और इस वजह से वो हमेशा हमारे जजेस के अच्छा असद आपने बीफ का कीमा क्यों नहीं यूज करवाया बीफ एक तो पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है और उसका वो टेस्ट नहीं बनता जो मटन का होता है okay. फिर बीफ से कुछ लोगों को बल्कि काफ़ी लोगों को इश्यूज हैं यूरिक एसिड के इसमें वो ज़रा कम होता है हालांकि ये भी रेड मीट है और वैसे भी आप बड़ों का एहतराम करते हैं मैं अपना फर्ज जरूर से अंजाम दूंगा असद आपको ये बताता चलूं कि इनका बस चले तो ये अगले दो घंटे तक आपको चूल्हा भी ना जलाने दें ये मुझे चूल्हा भी नहीं जलाने दें मालिश में ठीक हो गया ये बिल्कुल पूछ रही है भाई तेल नहीं डाला है उन्होंने किसी में भी अभी चूल्हा भी नहीं जला था क्या मतलब सीधा डायरेक्ट डाल दिया हांडी में आपको टेस्ट चाहिए ना आपको टेस्ट चाहिए ना नहीं नहीं मरियम यू हैव सीन हिम शॉपिंग राइट व्हाट डू यू थिंक आई थिंक द कलर्स दैट ही चूज वाज ओके ब्राउन एंड व्हाइट बट यू नो इट्स नॉट अट्रैक्टिव I hope he adds some attractive colors to them. Is it brown or black?
No, it's dark brown. So. Dark brown tablecloths and white plates. It seems a little bit ordinary, you know, not. Tablecloth, manly. The color of the tablecloth is dark grey. It's not brown. Nadia gloves. It's dark grey, greyish brown. Probably, वो कैमरे के ऊपर जो है वो ब्राउन दे रहा है, लेकिन it's grey. सारा कुछ डाल के बाद में ग्लव मार. Gloves also. The gloves. Same. Yes. Dark color and. आप लोग नोट करें इनको ग्लव्स चाहिए. ऐसा जी. सारा कुछ डाल के बाद में ग्लव्स मांग रहे. नहीं वो उसमें उसमें हाथ को किसी को लग नहीं रहा था इसलिए मैंने कहा था वो डालूंगा आप मुझे कैसे ऐसे उलट के डाला हां ये अच्छा सारा कुछ करने के बाद बंदा ग्लव्स पहन ले देख ले अलग ही करने से पहले पहनने चाहिए भूख मार रहे जैसे नाजिया वैसे हमारी प्रेडिक्शन सही थी अभी आज दूसरा शो है हां सारे तेज हो गए दूसरा दिन है और ग्रुप ई ने अपने रंग दिखाने और जमाने भी शुरू कर दिए एक दिन गुजर गए सब तेज हो गए वही तो मैं कह रही हूँ गुजर गए ऊंट पहाड़ के नीचे से गुजर चुका है एक ब्रेक ले रहे हैं जी ब्रेक के बाद मेहमान नवाज में दोबारा आपके सामने आएंगे और अपने दोस्तों से कुछ बात करेंगे फिर भेजेंगे उन्हें वहाँ अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं जा रहा है मेहमान नवाज की इस अमेजिंग जर्नी में पाकिस्तान के टॉप 24 सेलिब्रिटीज में से कोई एक बनने जा रहा है बेस्ट सेलिब्रिटी शेफ ऑफ मेहमान नवाज सीजन 1 का क्या खबर इस ग्रुप ई में से कोई एक हो वो क्या खबर पहले जो ग्रुप गुजर रहे हैं या अगला जो ग्रुप आखिरी होगा उसमें से कोई एक हो किसी को कुछ नहीं पता लेकिन एक चीज डिसाइडेड होती है वो ये है कि इन चारों में से कोई एक जाएगा सेमीफाइनल में वो कौन है ये आप डिसाइड करेंगे ये आपके वोट भी हमें बता सकते हैं फेसबुक पे आप हमें अपने कमेंट्स रवाना करते रहें अपने फेवरेट स्टार्स के जब वो मेज़बान खाने में जाते हैं और वहाँ अपना रंग जो है वो तमाम लोगों पर जमाते हैं इवन मेहरबान कदरदान भी उस दिन उनके रंग में रंग जाते हैं जी मेहरबान कदरदान जी इस वक्त असद ने कीमा चढ़ा दिया है अच्छा। और वो दाल चढ़ाने लगे हैं जो दाल मिली है जरा मालूम करें क्या क्या बनाने के लिए अरे आपा ये तो वैसे मुझे पास खड़े होके नहीं पता चल रहा क्या क्या डाला गया मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी असद खुद ही बताएंगे असद आप प्लीज बताइएगा आप अगर चूल्हा जला दें तो वो बता पाएंगे वो आपने चूल्हों के जलाने में क्या हुआ है जी शेफ को बताइए प्लीज असद कीमे में मैंने डाला है जी प्याज और मैंने डाला इसमें हरी मिर्च और इसमें मैंने डाला है टमाटर इसमें मैंने डाला है गार्लिक और इसमें अदरक डाली है और अभी इसमें मसाले डालने हैं और मसाले डालने हैं मतलब नमक में ही डाला ना नमक ही डाला हाँ ओके थोड़ा सा टाइम दे दे अच्छा अब इन्होंने दाल बनानी है और दाल कैसे बनानी है वो भी बता दीजिए असद तेल डालना भूल गया असद विनी कुछ पूछ रही है जी विनी तेल नहीं डालोगे जी तेल नहीं डालोगे बाद में डालेंगे ना उसके अंदर भी तो चर्बी होती है खैर पहले वो निकलेगी उसके बाद मजीद ऑयल की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो भी डाल लेंगे अच्छा अच्छा नसीम ने कल अपनी आप बिल्कुल काम जारी रखिए कल अपनी मदर का जिक्र किया था तो वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपनी मदर की वो कौन सी रेसिपी है जो फॉलो करती है कि बिल्कुल अम्मा ऐसी बनाती थी और मैं घर वाले कह के बनाते हैं कि ये जो है ना वो अम्मा की है दम वाला कीमा दम वाला कीमा जो मैं ख्याल असद बना रहे हैं नहीं वाला असद, कीमा। असद नहीं बना रहे वो ये तो वो सारा एकदम वाला बना असद जो बना रहे हैं वो दम वाला नहीं एकदम वाला है एकदम बिल्कुल वैसी जैसे वो अचानक कबाब थे वो है उसका नाम वो दम वाला कीमा कहते हैं कुछ पतीली कबाब कहते हैं और कुछ कोयले वाला कीमा कहते हैं उसमें कोयला डलता है अच्छा उसके अंदर अच्छा तो वो बड़ा हमारे घर में सब पसंद करते हैं अम्मी बनाती थी और सब कहते हैं कि मैं वैसे ही बनाती हूँ राइट राइट आपने अपनी अम्मी से कौन सी ऐसी रेसिपी है जो ली अम्मी मेरा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो मछली बड़ी अच्छी बनाती हैं और एक वो सीख कबाब का सालन होता है हाँ सीख कबाब का सालन वो बड़ा अच्छा बनाती है चुकंदर गोश्त बड़ा अच्छा बनाती है गाजर गोश्त बड़ा अच्छा बनाती है गाजर गोश्त हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे गाजर गोश्त पका हुआ बहुत अच्छा लगता है सिखा चुकी चुकंदर गोश्त चुकंदर कीमा गाजर बहुत अच्छा लगता है सब सिखाया है बहुत कितना मजेदार बड़ा मजेदार है गाजर अच्छा लेकिन चुकंदर गोश्त जो है जब वो बनाते होंगे वो बिल्कुल रेड नहीं हो जाता रेड होता है
होता है, बहुत अच्छा होता है। टमाटर गोश्त भी तो होता है, टमाटर गोश्त से वो बेहतरीन खाना है, जिसमें चुकंदर होते हैं। चुकंदर है बहुत अच्छा ना, उसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो भी चीज लाल या पर्पल वो उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो कम खाया जाता है। मुझे मैंने कहीं पढ़ा कि जी चुकंदर जरूर पीना चाहिए, चुकंदर से आपके बॉडी के जितने टॉक्सिन्स होते हैं ना वो एक्सपेल होते हैं सारे। तो मेरे मियाँ और मैंने कहा अच्छा चलो बनाते हैं, इतने बड़े बड़े हमने ग्लास बनाए, मैंने उस दिन किसी को स्टोरी सुनाई थी और भीगा सारा का सारा। उसके बाद जो हमने उल्टियाँ की है, बिकॉज़ उसको डाइल्यूट करना चाहिए, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल हार्डली आपका 1/4 कप होना चाहिए। बिल्कुल सही, चुकंदर का जूस और उसमें 2-3 पत्ते पालक के आप डालें, मैं खीरा डाल लेती हूं, ब्लेंड कर लें या फिर उसको जूसर में साथ डाल के और निकाले, सिर्फ हार्डली 1/4 कप होना चाहिए, इतना वो एक्सपेल करता है टॉक्सिन्स की आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो देख कर खाना चाहिए उसको कि इतनी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली जूस जो है, लोग एप्पल का है या किसी भी फ्रूट का जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑरेंज का है, गिलास भर भर के पीते हैं, 250 ml का, 300 ml का एक गिलास होता है, बिल्कुल, और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी वन टाइम में ले लेते हैं, हार्डली आपको 1/2 cup चाहिए होता है, 125 ml चाहिए होता है वन टाइम में, एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। Right. और अफ्तार के वक्त भी ना लोग भर भर के, अगर लस्सी पीनी है तो पूरी पी लेनी है, पानी पीना है तो वो एक गम से पी लेना, एक चीज के ऊपर फोकस करना। लेकिन पानी तो वैसे भी खाने के दौरान पीना ही नहीं चाहिए, बिकॉज पेट के जितने एसिड्स होते हैं ना उसके साथ मिक्स होता है। अफ्तार के वक्त बहुत ज्यादा प्यास पहले पीना। अच्छा, पानी के बारे में बताना चाहूंगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जी, और ये बिल्कुल उन्होंने फरमाया है कि खाना खाने से पहले पानी पीना दवा जी, बीच में पीना शिफा और आखिर में पीना वबा है। वबा है, बिल्कुल सही, आखिर में नहीं पीना चाहिए, वबा ही पीते हैं, बीच में पी सकते हैं, शुरू में पी सकते हैं। अच्छा आप ये बताएं, आपके जब दस्तरखान लगता है या टेबल लगती है और बेगम ने खाना बनाया और लगाया, आपको कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो चिढ़ा जाती है, कभी चिढ़ा जाती है ना, बस एकदम गुस्सा ठक, मीटर गायब, मीटर घूम जाता है वो, जब कभी उसने खुद ना पकाया हो फिर मेरा मीटर, हाँ मुझे पता चल जाता है कि टेबल के ऊपर कि ये खाना मेरी बीवी के हाथ का नहीं बना हुआ। बड़ी पहचान है, हाँ फौरन पता चला, उसका रंग बता देता। तो आपसे कुक का बनाया हुआ खाना नहीं बर्दाश्त? नहीं बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, वो कहते हैं कि मैं बाहर ही नहीं खाना खाता, इसके बीवी बहुत अच्छा खाना पकाती है। अच्छा, हाँ जी, मैंने शादी के बाद, मुझे 16 साल हो गए, कभी भी बाहर खाना नहीं खाया है। वाओ, जब मैं मतलब पाकिस्तान में हूँ तो, मतलब ये नहीं कि बाहर गया हूँ तो, यूके हूँ तो घर खाना खा के जाऊँ, कभी बाहर नहीं खाते, नहीं बहुत कम, मतलब बहुत कम। आज खा लिए, बिल्कुल वो पूछ रहे हैं उनसे देखो कि कैसे बनाना है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं बेचारे, हल्दी वल्दी भी डाल दी है मुझे लगता है, पता नहीं दुनिया की जितनी चीजें दी ना वो सारी डाल दी, सारी ये कुछ तो बनेगा। तो कीमा बेचारा सोच रहा होगा कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा सवाल है, ये दो रंग की हल्दी क्यों है इसके बीच में? एक ऑर्गेनिक है ना, एक डर गई थी तो बस ज्यादा ही। अच्छा ये जो बिल्कुल आजकल देसी फूड का कॉन्सेप्ट निकला है ना, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हल्दी में एंटीसेप्टिक जो चीज़ें हैं वो बहुत होती हैं, और अक्सर हमारे मसालों में बहुत सारी शिफा की चीज़ें हैं, लेकिन उस वक्त हैं जब वो मसाले असली हैं, जो पैकेट के मसाले हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो असल वाली चीज़ यूज़ कर रहे हो। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे ब्रेक ले सकते हैं भाई, अब आप लोगों का यहाँ से डिपार्चर है, अब आप लोगों ने वहाँ जाना है। असद तैयार हैं आप, मैं आपके दोस्तों को यहाँ से रवाना करूँ? वो पूछ रही है कि दोस्तों को रवाना करें ना। डर गए, पहले डर गए। ना 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 ना। बस जी, तो आप जाएंगी, विनी, अस्मा और नसीम तीनों जाएंगे, रवाना होंगे आपकी तरफ। आप जितनी भी ना कर लें ये तो होना है। आपकी बहुत सारी तालियां। मेहमान नवाज से जाएंगे, मेहमान नवाज के मेन सेट से हमारे तीनों सेलिब्रिटी शेफ्स जाएंगे मेजबान खाने की तरफ। आपकी बहुत सारी तालियों में। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं, मेहमान नवाज में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं, मेहमान नवाज। आओ देखो कैसा घर है ये। जी नाज़रीन, असद मलिक तेज़ी से खाना बनाते हुए प्रोग्राम में अपनी जगह बना रहे हैं, और असद मलिक को हम साथ साथ ये भी बता दें कि जब इनके बर्तन धोने की बारी आएगी तो इन्होंने लेमन मैक्स से बर्तन धोने, क्योंकि मर्दों के हाथ भी उतने ही साफ होने चाहिए, सेंसिटिव होते हैं जितने ख्वातीन के होते हैं। ऐसा तो है,
लेमन मैक्स आपके हाथों को खराब नहीं करता और आपके बर्तनों से सारी चिकनाई उतार देता है, थोड़े से कतरे से। नाजिया तुम्हें पता है अब तुम्हारी शक्ल देखते ही लोगों को लेमन मैक्स क्या याद आता है। अच्छी बात नहीं है, ब्रांड एंबेसडर बनने वाली है। भाई आराम से आराम से, अब हमने थोड़ा मछलियों को टाइम देना है, या मैंने, मरियम ने और राता शेफ राहत ने। तो आपके मेहमान अब तक हालात क्या हैं आपके मेजबान के? हालात बड़े अच्छी है वैसे। हाँ स्पीड अच्छी है, स्पीड अच्छी है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि कीमा जो चढ़ाया गया उसमें सब कुछ डाल दिया। असद ये कौन सी वाली रेसिपी है? ये खुद साख्ता रेसिपी है, मैंने आपको पहले बताया था। हाँ अरे मेहमान आ गए, और असद के लिए एक बहुत अच्छी खबर के उनके मेहमान आ चुके हैं और मेजबानी के जो फराइज हैं वो उनको अंजाम देने हैं, अंजाम देने हैं। और कैसे इसको वेलकम करते हैं असद मलिक उड़ते हुए उकाबों की तरह पहुंचे, जबरदस्त अंदाज मेहमानों को रिसीव करने का, ये शुएब अख्तर स्टाइल में वो आए। नहीं सुपरमैन साहब, वेलकम वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा होगा सोचा ना था, अस्सलाम वालेकुम। क्या यूं करके जो उसने लहराया है ना ये, ओहो आपने तो आज नहीं नहीं अच्छा अच्छी बात नहीं हुई। मेरे प्यारे दोस्त आए हैं, आइए क्या हो रहा है, अल्लाह माफ, दाल बन चुकी है, दाल है ये, स्पेशल दाल अच्छी है, अभी जो बनेगी तो ये कुछ और बन जाए, बिकी हो गया, नया है कीमा है। अच्छा ये तो 5 मिनट का काम नहीं होता, मैंने कहा टाइम बचाऊं तुम्हारे लिए, डिजर्ट बनाना मीठी चीज है। असर दाल नहीं चढ़ाई अभी आपने, दाल बन गई, दाल दाल तो बन गई, दाल से बाढ़ बुड़ गई, दाल 15 मिनट का काम है, पानी डाल के दाल पानी पानी हो गई, पानी दाल शर्मिंदा हो गई, अल्लाह रहम, पानी पानी, पानी कर गई मुझको कलंदर की ये दाल। ये इसने चाल, अल्लाह रहम करे। कौन सी वाली दाल बनाई है, नाम क्या है इस दाल का सर? ये गुर्बत वाली दाल, दाल जड़ी निबे नाल। जब घर में कुछ नहीं होता गरीब लोग खाते हैं ना, ये किधर गया यार, ऑयल कहाँ गया, ये मेरी फेवरेट दाल, डब्बे के आखिर में ऐसे ऐसे करके रखा उधर पड़ा हुआ। हमें देसी घी चाहिए, हमें देसी घी चाहिए, देसी घी का कमाल, हमें देसी घी चाहिए, दे दिया है, दे दिया नाजिया की, अब देसी घी मेरे मुंह में देसियां दिखा रहा है, दुनिया में जितने भी मसाले का आपको टेस्ट चाहिए ना, हां टेस्ट तो आएगा ही, जब करोड़ चीजें डलेगी तो टेस्ट भी आएगा। आपके हाथ का टेस्ट चला जाएगा, वो अच्छा बन जाएगा। इसीलिए सर शादी नहीं करता, खाना पकाना आता है, क्योंकि बीवियां सिर्फ शादी के लिए इसलिए करता है, इंसान ने रोटी पका के देंगी। अच्छा एक एक मिनट, ये तो पूछे इनसे, ये दाल बनी कौन सी, येलो वाली है, ब्लैक है, येलो येलो वाली है, येलो वाली है, येलो वाली है, ये खौफ ज्यादा दाल, खौफ ज्यादा दाल बनाई, डर से पीली पड़ गई है ना, गुस्से से पीली हो गई दाल, गुस्से से लाल, लाल पीली होती है जो, वो फिर मसूर होती। देखे ये कैसे शेफ है, ये हमने प्याज डाला, अदरक डाला और ये कीमा डाला और ये देखे पता नहीं क्या बन गया, कड़ी पत्ता डाला, कड़ी पत्ता भी नजर आया मुझे, कड़ी पत्ता भी डाला है इसमें। हाँ। मेरी रेसिपी मत चोरी करो, हिट हो गई तो ये रेसिपी आम हो जाएगी, बड़ा आया टर्की टर्किश शेफ जेड़ा है, ओए पीछे पीछे हो जाओ, ओए ओए पार्टी लो, आ गया गुस्से में, आ गया नहीं पार्टी लो, आ रही आज मोगेंबो गुस्से विच, ओए 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 नहीं और क्या बना रहे हैं अब दाल में, ओके अब ये आलू डाले जा रहे हैं, यस जी आलू, यानी ये तकरीबन बनने वाला है, बस जी ऑलमोस्ट अबाउट टू बन, अबाउट टू बन, बनोएफाइंग शेफ कुछ कह रही है सर, असद आलू कुछ ज्यादा नहीं हो गए हैं जी, आलू कुछ ज्यादा लगे हैं मुझे, लेकिन ठीक है मतलब 6-7 लोग हैं, ज्यादा लोग खा लेंगे, असद मैंने सोचा कीमा छुप जाए, लेकिन अगर आप कहती है तो मैं कम भी कर सकता हूं, ये कीमा आलू नहीं, आलू कीमा है, ये मुझे यही लग रहा है आलू कीमा है, आलू के साथ आपकी
خواہش کے عین مطابق. خواہش کے مطابق نہیں, ایک آلو کے اعتراض کے مطابق. اب آپ نہ نکالیں اس کو, اب نہ نکالیں, بری بات. اب تو ہو گئے, ہو جائیں گے, ہو جائیں گے, اسی میں ہو جائیں گے. اب تو ڈل گئے آلو, اب تیر سے نکلے آلو واپس نہیں آتے. ہاں ڈالو ڈالو, خوب دہی ڈالو, خوب ڈالو, ایڈنگ یوگرٹ اس کے بعد بتاؤں گی میں کیا. اب آلو کمان سے نکل چکے ہیں, بس 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 ڈالو ڈالو, دہی بھی ڈال دیا اس میں. یہ آلو نہیں گلیں گے اسد جی, دہی ڈال دیا, آلو نہیں گلیں گے. علی بس آلو بھی کیا نہیں ہوں گے, گلیں گے, آلو نہیں گلیں گے, نہیں گلیں گے, دہی ڈال دیا تمہارا. اسد اگر یہ آلو نہ گلے تو یہ اوپر پستول رکھ کے کاٹ دینے ہیں نمبر. آلو آگ گل جائے. آلو یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں, آلو نہیں گلے گے یہاں, یہ لوگ اسی لیے وہاں ہیں, یہ لوگ اسی لیے وہاں کو گلنا ہوگا. دیکھو اب آلووں کو پانی بھی پلا دیا گیا. اچھا نہیں, گرم قیمے میں ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی, کیما بےچارا یوں ہو گیا, آلو کے دانت خراب ہو جائیں گے. آلو کے دانت نکل گئے, آلو کیما تو گیا. اصل یہ سن لیں, یہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ آلو کیما تو گیا. اس کیما سے پہلے ہمیں اپنا بیمہ کرانا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. دال کی خوشبو اچھی آ رہی ہے, دال کی کنار کے کیوں ڈالے تھے, دال کی خوشبو اچھی, ابھی اس کو تڑکا لگے گا تو اور اچھی آئے گی, وہ بھی کہہ رہی دال کی خوشبو اچھی. دوست بڑا پرانا دوست ہے میرا. اچھا اسد بریک لینی ہے, لیکن آج کا میزبان خود بریک لے گا وہاں سے, اور گاتے ہوئے بریک لے گا اپنے انداز سے. گاتے ہوئے بریک لوں, بڑا اچھا گانا گاتے ہیں, گاتے ہوئے کوئی بریک تھوڑی دیتے ہیں, کوئی اچھا سا گانا گاتے ہوئے بریک لے لے, سنا دو. بولا جا رہا ہوں اس محفل سے, بریک کے بعد آؤں گا. اس پروگرام اس جہاں یہ تو وہ گائے گا جو کیما کھائے گا. لا 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 ہم چلے, لا لا بریک لے لے جی, بریک بریک جی, راسین یہاں پر بریک لے کے. اگر تم میں کچھ خاص نہیں, مہمان نواز تم نہیں, تم میں کچھ خاص نہیں, مہمان نواز تم نہیں. آؤ دیکھو کیسا گھر ہے یہ, جس میں ہے سیلیبریٹیز. ویلکم بیک آفٹر دی بریک, آپ کو میزبان کھانا میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا گانا دن بدن جو ہے ہماری ٹائٹل سانگ, یہ ہر بچے بچے کو یاد ہوتا جا رہا ہے اور سب اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں, بہت سے لوگ انٹرٹین ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ سیلیبریٹیز بن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو ہم کیا خیال ہے شائستہ, ہم اپنے مہمانوں کو ایک بار پھر یہ گانا سنائیں, بلکہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور ایک دفعہ انجوائے کر دیں آواز میں اپنی. بالکل ضرور, لیکن اس کے ساتھ لپ سنک بھی کر سکتے ہیں. لپ سنک کریں گے, تھوڑا لپ سنک کر لیں, ٹھیک ہے. اور اصل آپ کی یہ پرفارمنس بھی نوٹ کی جا رہی ہے اور وہ بھی شیف ججز کر رہے ہیں جی, تو اگر آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے تو آؤ دیکھو کیسا گھر ہے یہ, جس میں ہے سیلیبریٹیز, جو ہے فل مستی میں کچھ سختی میں, دیکھو پلیز ایسا گھر ہے یہ سیلیبریٹیز, جس میں پلیز ایسی چیز کرتے جاؤ سب سے ہٹ کے تم, ہٹ کے تم انٹرٹین. اچھا ویسے ہاں بھائی ہم ہو گئے انٹرٹین, بھائی اللہ مالک ہے اس کیمے کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیمے کے اندر جتنا دیسی گھی ڈل چکا ہے مجھے ڈر ہے کہیں پھر سے بکرا نہ بن جائے. اٹھ کے بکرا کہے تھینک یو اسد, پیچھے ہو جاؤ حد ادب. شیف کچھ پوچھ رہی ہیں. ہاں جی, یہ افطار کے لیے بن رہا ہے یا یہ سحری کے لیے بن رہا ہے؟ یہ آپ افطار کے لیے پکا رہے ہیں یا آپ سحری کے لیے پکا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے پکا رہے ہیں, تو افطار کے لیے, لیکن ہو سکتا ہے سحری میں بھی کام آ جائے. لیکن یہ افطار میں پکتا ہے, اگر ان لوگوں نے افطار پہ چھوڑ دیا, ظاہر ہے نہ کھایا گیا, تو پھر سحری پہ ہی کھانا پڑے گا اپنے ہی گھر کا کھانا. نہیں, میں ان کی سپیڈ کے اوپر کہہ رہی ہوں, جو ان کی سپیڈ ہے اس کے حساب سے تو یہ سحری میں تیار ہوگا.
आपको इफ्तार के लिए स्पीड पकड़नी पड़ेगी जी बेहतर। लेकिन मुझे हल्की हल्की जेलसी शुरू हो गई है, कीमे की स्मेल अच्छी हो गई है। उसकी आग बढ़ा दो। कीमा टाइप बन रहा है। अब लगता है उसकी आग बढ़ा दो। अब लगता है कि ये बकरा नहीं बनेगा। लेकिन आलू क्यों फेंस रहा है? आलू नहीं फेंस रहा, मैं तो टच भी नहीं कर रहा। सारे आलू ठुस हो रहे हैं। मैं मूव कर रहा हूं। कम कर रहे हैं आलूओं को। ये वैसे ही अस्मा जी, ये ठुस ठास ठस, ये क्या है? ये कौन से अल्फाज है? ये स्ट्रीट फाइटर कुकिंग है। ग्रामर से निकाले गए इसलिए कि जो लफ्ज आना रहा उनको ठुस फूस ही कर देता। और आलू माशाल्लाह इतने ज्यादा डाल दिए, लग रहा किसी छोटे घर में ज्यादा पुलिस वाले फिर रहे हैं। जब ये गिरफ्तार करेंगे ना तुझे अपने जायके में, कीमा तो गिरफ्तार हो जाएगा। ओए ओए, घर वाले के पुलिस वाले, घर वाले इस जायके में गिरफ्तार होंगे। कीमा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो। मैं खाना नहीं बनाती लेकिन मुझे इतना पता है कि कीमा और आलू इतनी आसान डिश है, बंदी चढ़ा देती है, एक दफा भूल जाती है वो खुद ही बन जाता है। और बंदा दूसरे, अब ये घोटे जा रहे हैं, घोटे लग रहा है हलीम बन रहे हैं। नहीं असल में ना वो कीमा इतना अच्छा नहीं है, असद भाई ने उसको छुपने के लिए जगह दी। आलू कीमा आलू के पीछे छुप रहे हैं। आप लोग समझते नहीं कीमे को कीमा बना रहे हैं। आप लोग समझते नहीं है, हर अच्छी चीज बनने में टाइम लेती है। टाइम लगता है। कीमा बनने में टाइम लेगा। और खास तौर पे जब मर्द हजरात उसे बनाने की कोशिश कर रहे हो, हर दुनिया के लेफ्ट मैक्स क्या कहते हैं नाजिया, और ये हमें कीमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असद कीमे को कुछ देर, अच्छा चले असद थोड़ा सा तंग मैं करती हूँ आपको। ये बताएं कि कौन सी सब्जी में पानी की सबसे ज्यादा मकदार होती है? कौन सी ऐसी सब्जी है? क्यूकंबर। हाँ क्यूकंबर। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। yeah! आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं अपना। 96% 96% उसमें पानी होता है क्यूकंबर में। जैसे अभी विनी बता रही थी कि जब आप चुकंदर का जूस पीते हैं तो उसमें खीरा या कोई और चीज उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शामिल कर लेना चाहिए। राइट अच्छा नसीम मैं आपसे सवाल करूंगी। बताएं, सोचें, मैं आपको तीन ऑप्शन दे सकती हूँ। कौन सी खाने की चीज, खाने की कौन सी चीज 19वीं सदी में बतौर मेडिसिन इस्तेमाल भी की जाती थी? करेला है। सुन तो ले, सारे खाने सुन तो ले, वो भी नीम चढ़ा, फ्लूक लगाना तुका। अच्छा सोया सॉस, केचप और गार्लिक सॉस। टफ क्वेश्चन। क्या क्या पूछा आपने? कौन सी खाने की चीज 19th सेंचुरी में एज मेडिसिन यूज भी होती थी? केचप, सोया सॉस या गार्लिक सॉस? सोया सॉस। और जवाब सुन ले, और जवाब बिल्कुल गलत। माशाल्लाह। पर गार्लिक सॉस क्या हुआ? गार्लिक तो होता है लेकिन गार्लिक सॉस भाई, गार्लिक और गार्लिक सॉस होती नहीं है। अच्छा गार्लिक चिली गार्लिक यूज होती है। गार्लिक पेस्ट सॉस। पेस्ट। अच्छा जी लेकिन जवाब दुरुस्त जो है वो है केचप। वो कैसे? अच्छा मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा मैं बेवकूफ ना लगूं। आसान लफ्ज बोल दिया। आसान लफ्ज। टोमेटो केचप कैसे? अच्छा अच्छा चले मुझे विनी आप ये बताएं, मेरा ज़हन नहीं मानता। आप बच्चों को आजकल आप डील कर रही हैं, तो जब शदीद बच्चों को खांसी होती है, कंजेशन होती है, तो उसकी क्विक रेमेडी बताएं। छोटे बच्चों के लिए तो ज़रा मुश्किल होता है, वरना जिंजर बहुत अच्छा होता है और शहद, शहद के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च होती है वो डाल के दिया जाता है। मैं वैसे अपनी बेटी को गार्लिक कूट कर उसके अंदर शहद डालकर वो देती हूँ। एक ऐसा फल है जो खांसी के बहुत सख्त किस्म की जब खांसी होती है उसमें इस्तेमाल होता है। फल खांसी होने से होने के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने फल खाया और पानी पिया खांसी हो गई आपको, ठीक है, लेकिन वो खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है वो फल। नींबू, लेमन। हाँ लेमन। लेमन फल है? नहीं। चले तीन ऑप्शन देती हूँ। लेमन, गावा यानी अमरूद और केला। केला तो बलगम करता है। अच्छा बेचारा
अमरूद ही सही अमरूद ही है बेचारा अमरूद बेचारा अच्छा है बेचारा अमरूद आखिर में रह गया है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है अमरूद के बारे में कहा जाता है कि उसको ओवन में रखना चाहिए थोड़ा बेक करना चाहिए और फिर खिलाना चाहिए शेफ रात मैंने ठीक कहा तड़का लगा दिया अमरूद खांसी का इलाज है बेक किया हुआ अच्छा अमरूद को हाँ बेक करें आप या उसको अंगारों में दबा दिया जाता है या उसको ओवन में बेक कर सकते नहीं तो किसी बर्तन में रख के चूल्हे की हल्की आंच बिल्कुल कर दें बर्तन को कवर कर दें वो बिल्कुल बेक हो जाएगा नरम हो जाएगा बिल्कुल जब हल्का गर्म हो तो उसे खिलाएं तो उससे बलगम बाहर निकल जाता है ठीक है और लहसुड़ा बहुत कारामद है और वो बलगम को बाहर निकालने में खांसी को दूर करने में दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है ठीक ठीक अच्छा ये बताएं नसीम विकी आपकी उर्दू कितनी अच्छी है मैं अगर आपसे एक मुहावरा पूछूं उसको कंप्लीट करना है जी पीछे विनी जो है ना विनी की फौरन शक्ल बन गई है विनी ये आप क्वेश्चन नसीम से उछल के आप विनी कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को विनी बेचारी हाथी के दांत डैश के और डैश के और हाथी के दांत डैश के और डैश के और खाने के और समझ रही है इनकी हंसी से पता चल रहा है कि खाने के और दिखाने के कोई और कोई और बिल्कुल सही असद मैं और सवाल जवाब का सिलसिला नहीं करना चाह रही मैं सिर्फ ये देखना चाह रही कि ये अब दोबारा घी जो है वो इसमें डलने कहां डलने जा रहे घी वो दाल को तड़का तड़के का दिल चाह रहा है दाल का तड़का अच्छा आप भी एक मुहावरे का जवाब दे असद के चौल खाने के और दिखाने के दोस्त दोस्त ना रहा बिल्कुल प्यार प्यार ना रहा भाई रुलाएगा क्या अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताएं अगर वो लोग जो देसी घी पहली दफा आप लोगों को है बड़ी कोशिश कर रही हैं आपकी गट्स को या देसी घी हजम कर लेते हैं बिल्कुल हम घर पे यूज ही देसी घी करते हैं इससे कि जितना अच्छा देसी घी है बल्कि घर में बनाते हैं खुद से और मैं अपनी बेटियों के पराठों में खाने में सब में देसी घी कोकोनट ऑयल यूज करते हैं और देसी घी यूज करते हैं ओके जी इसके ऊपर पाकिस्तान जरूर बात करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमने देखा कि असद ने आज खाने में देसी घी का इस्तेमाल किया हम अक्सर ये कहा करते हैं कि जो ऑयल है वो लाइट भी रहता है उसे खाने के बाद तबीयत भी हैवी नहीं होती आपका दिल खराब नहीं होता तो क्या इतनी सड़ी हुई गर्मी में जो आजकल पाकिस्तान के हर शहर में तकरीबन वेदर है तो इसमें देसी घी का जो इस्तेमाल है वो सही या नहीं एक्सपर्ट शेफ से पूछेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सी टीवी के इस मेहमान नवाज में अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं मेहमान नवाज का ये सफर ग्रुप ई तक पहुंच गया है ग्रुप ई का यानी हमारे पांचवें ग्रुप का आज दूसरा दिन कल पकाया ग्रुप ई के पहले कंटेस्टेंट असमा अब्बास ने आज बारी है असद मलिक की रह गए वनीजा अहमद और नसीम विकी कल या परसों जाहिर है इन दोनों में से दोनों की बारी आनी है देखते हैं कब कब आएगी ये जो मेहमान नवाज का सफर है ये 24 सेलिब्रिटीज से होता हुआ आज 6 पे जाएगा 6 सेलिब्रिटीज़ हमारे सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट होंगे और फिर ये 6 दो रह जाएंगे फाइनल के लिए और फाइनल में पाकिस्तान में एक बेस्ट सेलिब्रिटी शेफ चूज़ होगा जो कि लेके जाएगा 10 लाख रुपए कैश खैवाने अमीन हाउसिंग स्कीम की तरफ से एक अदद गोल्ड की ट्रॉफी सी टी वी की तरफ से और मिल्लत टाइल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स बहुत ढेर सारे लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए भी हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं और अच्छा वहाँ पहले पूछ लेते हैं फिर मैं आप तक आती हूँ हाँ जी अली है नाजिया बहुत हेल्प हो रही है नाजिया मैं नोट कर रही हूँ तो कह रहा हूँ कि नाजिया ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिए हाँ ये नाजिया दरिया दिल्ली दिखाई है देखिए मैं डर गई हूँ क्योंकि अली पे कातिलाना हमला हो सकता है मेरे पे तो गोली के साथ होगा इसलिए मैं अपना बचाव कर रही हूँ साफ सी बात है देख रही है मैं तो कुछ ही कर रही हूँ मैं डूइंग एनीथिंग कुछ भी नहीं किया मैं तो वैसे खड़े होकर देख रही थी पिछले काफी देर से बोलना शुरू हो गए सारे यार तो जाती है नहीं नहीं कुछ नहीं किया है ना फैलाने लगे ये फैलाने लगे इसके साथ जाती है आप फैलाएं लग रहे जी तो अगर आपको मैं ये बता दूं कि आपको टेबल को भी साथ साथ थोड़ा वक्त देना चाहिए क्योंकि वक्त ही की कमी है ये असद आप सेट करें मीठा
जी और नाजिया टेबल सेट करने चाहिए। नहीं 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 नाजिया को छोड़ दें, आप टेबल सेट नहीं करेंगी, वो नहीं कर रही भाई, नहीं कर। अच्छा असद आप ये क्या कर रहे हैं आप बताएंगे? मीठे की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सही बनना। मीठे मीठे की लेयर बना रहा हूं, मीठे की लेयर बना रहे हैं। तो ये नीचे क्या सबसे पहले पहली लेयर किस चीज की है? सबसे पहले नीचे की मैंगो लेयर, सबसे पहले बिस्किट का जो क्रम है उसको क्रश करके वो डाला हुआ है, उसके बाद बिस्कुट का चूरा चूरा, उसके बाद मैंगो क्यूब्स हैं, उसके बाद फिर क्रीम है, उसके बाद फिर बिस्कुट का बिस्कुट दा चूरा है। आप लोग शेफ को जरा गौर से सुनें, उनकी तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया है। शेफ मरियम की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया है और शेफ राहत भी उसमें शामिल है। Most messy kitchen that we see probably. Most messy kitchen? Yes. Those are these, all these on the ground. You're right. Yes, I didn't do it. It was my mistake. It's actually, it was an accident. Mariam, it's not his fault. It's not his fault. I didn't do it. ऐसा लग रहा है जैसे शामियाना में कोई तकरीब हो रही थी और बम की इत्तला मिली और सब भाग गए। सब भाग गए तो कुछ नहीं सोचा कि क्या गिरा और क्या नहीं गिरा। नहीं नहीं, शेफ 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 इसके नंबर मत काटिएगा, ये अभी अभी मुझसे टकरा के गिरी है, इसमें यकीनन इनका कोई हाथ नहीं है। हम ब्रेक पे जाएंगे तो हम ये क्लियर कर देंगे। जो मेरे सेलिब्रिटी मेहमान आज वहाँ गए हैं उनके बारे में देखते हैं आप उन्हें कितना जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद के बारे में मैं अपनी ऑडियंस से सवाल करूंगी। ये बताएं कि अगर मैं विनी से ये पूछती हूँ कि विनी को अपना लाइफ में जो रोल प्ले इन्होंने किए अब तक, लाइक एज अ मॉडल, इवन रैंप पे एक चैनल की मैनेजमेंट भी संभाली कुछ दिनों के लिए, एज मैनेजर, एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस भी करती हैं अपना, और एज मदर, सबसे ज्यादा कौन सा रोल विनी को अपना लाइफ में पसंद आया होगा? माइक लेके आए जी, कौन बताएगा? आप जल्दी से। एज अ मदर, एज मदर विनी से पूछते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, और ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। अच्छा जी, ये बताएं कि अस्मा अब्बास को, जो ज़ाहिर है वो घर पे रहीं, उन्होंने हाउस वाइफ होने के फ़राइज़ बहुत अच्छे से अंजाम दिए, अपने बच्चों को पाला, फिर वो टाइम दिया उन्होंने टीवी को, लेकिन आपको पता है इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, इनको ज़्यादा क्या अफसोस रहा होगा, अपनी आवाज़ को ना ट्रेन करने का या एक्टिंग ना करने का? एक्टिंग ना करने का। मुझे नहीं पता, आसमा जी से पूछते हैं। जी मुझे उस वक्त किसी बात का अफसोस ही नहीं हुआ। मैंने शादी की और मैं बड़ी खुश थी, बच्चे पैदा किए, घर में बड़ी हैप्पी लाइफ गुजारी। अच्छा। अब आके अफसोस होता है कि म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली, एक्टिंग तो पता नहीं लगता, पता नहीं आती थी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, म्यूजिक मुश्किल काम, म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली, अब लगता है उस वक्त कोई गम ना हुआ किसी बात का। बड़ा शौक था, टिक्का लगा के झूमर लगा के घर जाऊंगी और रहूंगी और घर में रहूंगी, बड़ा मजा आया, मैंने इस लाइफ को बहुत इंजॉय किया। अच्छा, लेकिन होता है कि इन सारे सालों में अगर म्यूजिक सीख भी लेती तो आज बहुत और भी बेहतर होती चीजें। हाँ, चीजें बेहतर होती हैं, आपकी जाहिर है सीखने से आता है। तो मैं इनको गिफ्ट हैम्पर दूं या नहीं? इन्होंने कहा है नहीं, दे दे भाई, दे 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 दे, लाइन में पोटाइल का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। हाँ जी, नसीम विक्की के बारे में क्वेश्चन करूंगी। नसीम से अगर ये पूछा जाए कि आपको थिएटर स्टेज जो है उस पर परफॉर्म करने में ज्यादा मजा आता है टेलीविजन स्क्रीन पर या फिल्म की स्क्रीन पर, तो इनका जवाब क्या होना चाहिए, क्या होगा? हाँ जी, टेलीविजन की स्क्रीन पर। मुझे क्या खबर, टेलीविजन। एक और बोले जरा, कोई और तो कम आ रहे। स्टेज पर, स्टेज पर। जी नसीम, सही जवाब कौन सा है? स्टेज पर, स्टेज पर, आई न्यू इट। कहते हैं वो जो एडिक्शन होती है ना, जहाँ से बंदा अपना सफर शुरू करता है, चाहे वो रेडियो का माइक हो चाहे वो स्टेज हो, तो वो खत्म नहीं होती, वो असल ट्रू लव आपका वही होता है। और स्टेज वैसे भी होता है कि फौरन रिस्पांस आता है आपको। हाँ, आपने जो किया उसी वक्त आपको रिस्पांस आ गया। सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और गाना जो है, और जो गाना है वो वाकई सीख के करना चाहिए। सही, जो लोग सीख के नहीं करते वो तंग होते हैं, हमको पता नहीं होता। मैंने एक बार गाना गाया तो एक दोस्त ने कहा कि आप टीवी पे गाया करो, मैंने पूछा क्यों, कहता आदमी चैनल तो चेंज कर सकता है ना। सही। अच्छा, हम बात कर रहे थे देसी घी की लास्ट वाले सेगमेंट में, ज़रूर मैं यहाँ लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोग भी बताएं, आपको देसी घी के, जैसे मैंने आपने कहा आप अपनी बच्चियों का खाना देसी घी में बनाना चाहेंगी, हालांकि आप उस जेनरेशन से हैं जो ये सुन सुन के बड़ी हुई है ऑयल ऑयल में खाना चाहिए, लाइट रहता है, ऑयल में पकाएं, हार्ट की डिजीज़ नहीं होती, ये सब, तो आपने कैसे स्विच किया देसी घी पे?
जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, और वैसे भी अगर आप देखें अब बीमारियां ज़्यादा हुई हैं ना, हमारी अम्मी और दादा दादी के ज़माने में तो बहुत कम होता था, इसलिए कि हम यूज़ ही देसी चीज़ें करते थे ना, खालिस चीज़ें, मक्खन खालिस होना चाहिए, घी खालिस होना चाहिए, हर चीज़ मैं तो कहती हूँ। हमारे घर में तो सब कुछ ऑर्गेनिक होता है, तो बड़ा ज़रूरी है दैट हम बेसिक्स में वापस चले जाएँ। रिफाइंड कम खाना चाहिए और हेल्दी खाना अच्छा ज़्यादा खाना चाहिए। जी आसमा जी, आप देसी घी को कैसे डिफेंड करती हैं? आपको लगता है कि तेल से ज़्यादा बेहतर है? अब पता चला है कि देसी घी जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, बहुत ज़्यादा देसी घी, रोटी चोपड़ के, मक्खन। लेकिन आज के बच्चे हमें नहीं, बच्चे नहीं, बड़े बदतमीज़ हैं, वो कह रहे हैं वो आती है, वो आती है। अच्छा, मेरे बच्चों को नहीं आती, वो बचपन से खिला दिया ना, वही वही यहाँ पे फिर रोल होता है पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों को खिला दिया ना, खिलाना शुरू कर दें। हाँ। मुझे खुद देसी घी बहुत अच्छा लगता है, इससे कि मकदार जरा वो वाली नहीं होनी। हाँ। चाहिए कि डोले जाओ, लगाए जाओ। हाँ। जरा वाली मकदार नहीं होनी चाहिए, और हर खाने के लिए रिक्वायरमेंट भी होती है ना। हमारा देसी खाना घी में अच्छा पकता है, लेकिन आप थाई घी में नहीं बना सकते हो। हाँ, आप इटालियन हाँ, घी में नहीं बना सकते। तो वो भी देखना होता है कि टेस्ट के मुताबिक। हाँ, लेकिन कैलोरीज तेल और घी की सेम ही होती हैं। हम कहते हैं ना क्यों नहीं तेल खाएं, दुबले रहेंगे, ऐसा कोई नहीं। हर चीज खाएं, लेकिन कम कम मिकदार करें, लिमिट रखें। हाँ, ज्यादा करेंगे तो वो कुछ भी चीज अच्छी नहीं, अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है। ठीक है नाजिया, यहीं से आप मेरा ख्याल है जरा एक ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि वापस जब आएंगे तो बिल्कुल अब अफ्तार का टाइम करीब आ गया है। जी नाजरीन, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको बताती चलूँ कि इस वक्त असद जल्दी से टेबल लगा रहे हैं ताकि इफ्तार का वक्त क्योंकि करीब आ रहा है, और हम तारी की तरह लिए टेबल की तरह बढ़ेंगे। यहाँ पर ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं, अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं। हाँ जी, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं, और आलू कीमा शायद तैयार हो ही गया है, पता नहीं हम इसको देख सकते हैं या नहीं, हमें नहीं पता, कुछ अंदर हो रहा है ऐसे कीमा बातें कर रहा है, कुछ हो रहा है, और दाल भी कुछ बता रही, कुछ कह रही है दाल भी नहीं। अभी तक चूल्हा बंद नहीं हुआ है? नहीं, अभी चूल्हा बंद नहीं हुआ। कीमा आलू के साथ बात कर रहा है कि भाई आप लोग ज्यादा हो, हम थोड़े हैं, ये ज्यादती है, इतनी तादाद में क्या करना है, ये बराबरी का मुकाबला नहीं है, मुकाबला नहीं है। अभी इसमें लप लप पानी है, और आलू गुस्से से देख रहे हैं। इसकी खुशबू अच्छी है, दाल ये है क्या? दाल दाल दाल, तो तसल्ली होती है ना, आप अंदाजा लगा लें कुछ तो खा सकेंगे। इनका खाना देखकर अब हमारा दिमाग अभी तक काम कर रहा है। अच्छा, रोटियां मंगवा ली गई हैं, नान मंगवा लिए गए। हाँ जी, नान चारवें रोजे पर विनी का, अस्मा का, और जी नसीम विकी के पेट का क्या हाल होना है। वो कीमा अभी तक पानी है, नहीं डॉक्टर पूछे, डॉक्टर है पानी से गुजारेंगे, पानी अभी तक है, पानी से गुजारेंगे, उसमें पानी है अभी, यू डांस कर अभी तो कीमे के अंदर है। तो आपका बन गया है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। आपने टेबल सेटिंग कर ली है? जी जी, टेबल सेटिंग कर ली है जी। अच्छा, जरा मैं लेके तो जाए, टेबल सेटिंग दिखाई जाए। उन्होंने हैवी ड्रिंक इसलिए बनाया कि कीमा तरावी तक तो तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें दरिया बना हुआ है। अच्छा, कढ़ाई में दरिया है, जरा ढकना तो खोलें। असद, सैलाब आया हुआ है क्या? आप शोरबे वाला बनाएंगे? ये गर्दन बाद में हिलाना। नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको ये बिल्कुल ठीक मिलेगा इंशाल्लाह। ये आलू गल के मुझे लगता है इसमें शामिल हो जाएंगे। ये आलू जो है ना, ये शामिल खान लग रहे हैं। ये मुश्किल शामिल, आप सुन रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, बाकी बता सकते हैं कि आपके दोस्त क्या कह रहे हैं। असल में शामिल से हम प्यार ही बहुत करते हैं। हाँ, इसलिए हमने कीमे में शामिल कर दी। लेकिन हमारा बहुत प्यारा भाई है, अभी मैं पिटने वाला भाई। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आलू गले या वैसे ही? ये असद, आप इसी कढ़ाई में सर्व करेंगे? नहीं, आलू अभी सख्त हैं। असद भाई ने उसको चम्मच के साथ ऐसे किया तो उसने कहा ना, शेर में लंगा ना। और आवाज सिर्फ इसी को आई है।
क्योंकि ये आवाज इसके दिल से निकली थी, सख्त दिल से। लेकिन कोई नहीं, असद भाई कल ये भी बना सकते हैं। आलू गले हैं या नहीं गले? नसीम से पूछेंगे, असद से नहीं। जी नसीम, आप निकाल के देखें ये आलू गला कि नहीं गला। ये आलू जो है बाहर निकाले या फिर खाना नहीं है? रोजा आपका, याद रखें। हाँ जी, वो आपने गाना सुना ना, ओ नहीं सकता। ऐसे नहीं चेक करते उंगली से। हाँ जी, काट के देखते हैं इसको। वो काट रहा है। ओके, न्यूट्रल बंदा। नाजिया प्लीज। जी वनीजा। वनीजा ये न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल। नाजिया पे न्यूट्रल है। देखिए मैंने गोली नहीं खाई। हाँ बस बीच में है। मैं चाहती हूँ कि मैं रमजान के गल। ये मुझे एक बात बताएं, ये अगर गले नहीं, ये इतनी देर से जो पक रहे हैं आलू, तो इतनी देर कभी नहीं लगते यार पकने में। असल में थोड़े बड़े कट गए हैं। हैं? इससे भी बड़े डाले जाते हैं, आपको पता है, इससे बड़ा कट होता है आलू का जो आलू क्रीमी में डाले। आलू के तो चार पीस करके डाले हो गए हैं। खाने में ठीक है? खाने में ठीक है। यकीमा पैक करके आप अमेरिका, कनाडा, किसी भी, ये मुझे लग रहा है मुझे अपने होटल जाके यही खाना पड़ेगा। ये पास्ता की तरह पका रहे हैं, जैसे पास्ता अल दंते रखा जाता है, थोड़ा सा कच्चा सा महसूस हो आपको। भाई आलू में नहीं चलेगा सर, ये अल दंते नहीं चलेगा। नहीं अभी तो, अब टेस्ट जब आएगा ना तो पता चलेगा। आलू गल गए, मुबारक हो। मैं आपको बता दूं, हमारे पास अफ्तारी में थोड़ा टाइम रह गया, प्लीज। आलू गल गए, आलू गल गए। ओके, ये जी पास है, अब प्रेस्ट्रॉल, वरना टाइम ओवर हो गया तो मसला हो जाएगा। प्लीज आप इसे सर्व करें। दाल आपने डालनी है। असद भाई देखें आपका खाना, जब मैं खाना बनाऊंगा ना तो मरियम पंजाबी बोलने लग जाएगी। रियली आई एम वेटिंग फॉर इट। इंतजार हो रहा है भैया, इंशाल्लाह कल टुमारो। दो दिन में से कोई एक दिन विनी को बनाना है, एक दिन नसीम को बनाना है। ग्रुप ई में से अस्मा अब्बास के आपने देखे कल जो मार्क्स आए हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जिसमें वो क्वालिफाई कर सकती हैं सेमीफाइनल के लिए। असद के मार्क्स आज क्या आते हैं? अब तक शेफ जजेस के ऊपर तो इंप्रेशन जिस तरह का बैठ रहा है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं है कुछ। दोस्त क्या कहेंगे, 60 में से कितने मार्क्स देंगे, ये आप देखेंगे जब रोज़ा खुल जाएगा या इफ्तार कर। ओहो, अब तेज़ी आ गई है जी, मेज़बान खाने में तेज़ी आ गई है, क्योंकि असद को दे दी गई है वार्निंग, इफ्तार का टाइम आ रहा है करीब, जल्दी झटपट असद अपनी डिशेस को सर्व करने के लिए निकाल रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब उधर से शाइस्ता का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, हाँ जी, तो अच्छी बनी चीजें और बुरी भली बन जाती है। हाँ, फिर मार्क्स और भी। जैसे ही मुझे फवाद कान में कहेंगे कि शाइस्ता अफ्तार का वक्त हो रहा है काउंटडाउन दे दें, तो असद मुझे, मैं फिर कुछ नहीं कर सकूंगी। फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। फिर तो इट्स डन। महविश के चार अंडे यहाँ पर खराब हो गए थे काउंटडाउन की वजह से, क्योंकि या सर्दी टूट जाती थी या कुछ हो जाता था। असद किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? दाल से प्यार भरी बातें कर रहे हैं? ओए होए, गर्मा गर्म दाल असद ने चूज किया क्ले पॉट उसको सर्व करने के लिए। वाह, दाल की शक्ल और देसी घी ऊपर, क्या बात है। वाह, मुझे आज भाई ऐसा मलिक की दाल याद आ रही है। उन्होंने भी हांडी में सर्व की थी लेकिन साथ स्ट्रॉ देना भूल गए थे। क्योंकि वो दाल अलग थी और उसका सूप अलग था। हमें भी छुट्टी दो, सार हमें भी करनी है जल्दी से। नाजिया चावल भी निकाल ली और पास्ता। हाँ, ये कोई मदद के जिम्मे में नहीं आता, ये अखलाकियात में आता है। इस वक्त शाइस्ता वो हमारी मदद कर रही है क्योंकि हम जितनी जल्दी टेबल पे छोड़कर जा सकें, तो अपनी मदद आप वाला सीन है। अच्छा, दाल के साथ कंबाइन किया है असद ने स्टीम राइस। यस, असद काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है। आई एम डन। इसका जग कहाँ है? जग ग्लासेस में वहां सर्व करेंगे ना, डायरेक्ट लाइव। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. असद, टाइम खत्म कुकिंग का।
जी खत्म हो गई कुकिंग सर्विंग शुरू हो रही है ओके तो अब मैं और नाजिया आप लोगों से लेंगे इजाजत यहाँ आप इफ्तार करेंगे दुआ करेंगे हमारे लिए भी सबके लिए और हम इफ्तार के बाद आपसे मिलेंगे क्योंकि फिलहाल हम पहले गेस्ट की हालत देखते हैं और फिर खाना चखते हैं क्योंकि हमारे पास मार्जिन है आपके पास नहीं है सो ऑल द बेस्ट जी अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं अगर तुम में कुछ खास नहीं मेहमान नवाज तुम नहीं प्यारे पाकिस्तान माशाल्लाह आपने 18वां रोज़ा इफ्तार कर लिया खुदा ताला इसी तरह से जल्दी जल्दी बकिया रोज़े भी खैर के साथ गुजरवा दे हमें सब्र दे बर्दाश्त दे और हमारी सेहतें भी ठीक रखे जिस तेज़ी से हमें इत्तला मिल रही है जिस तेज़ी से ख़बरों में आ रहा है अखबारात में पढ़ा जा रहा है कराची के अस्पतालों में इतने फूड पॉइजनिंग के पेशेंट फ़ोन पर बात करो तो पता चलता है फलां जी फूड पॉइजनिंग के लिए पहुँच गया है गैस्ट्राइटिस हो गया है ये हो गया वो इतने इन्फेक्शन आ रहे हैं तो डर लग रहा है कि अल्लाह ना अल्लाह मियाँ आगे रोज़े सही और जल्द 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 हम लोगों को इन इस नेमत से फारिग भी करा दे लेकिन सेहत याबी के साथ जी आपको हम फिर वेलकम करेंगे मेहमान नवाज के शो में आप जैसा जानते हैं कि इफ्तार के बाद जब हम आते हैं चाय के मग हमारे हाथ में होते हैं कमज़ोरी हमारी भाई क्या करें बहुत कम टाइम जो है हमें मिलता है इफ्तार करने का और मेरे दोनों शेफ़ जजेस जो हैं इन बेचारों को भी आज हम मरियम ज़रा आज मैं और मरियम खान साहब को चेकआउट कर रहे थे ज़रा हमने कहा खान साहब ने कपड़े आज बड़े अच्छे पहने और इवन मरियम ने कहा मरियम ने आपकी वॉच को बड़ा प्रेज़ किया खान साहब इट्स सो कूल आपकी वॉच बहुत अच्छी है मेरी ये भी गिफ्ट मुझे मिला गिफ्ट मिला और सारा गिफ्ट ही हूँ मैं ये कपड़े भी गिफ्ट जी इधर ये तो भाई पाकिस्तान ये तो बड़ी बुरी बात है इधर मेरे गिफ्ट कहाँ हैं मैं यही कपड़े पहन के घूमती रहूं ये तो कोई मुझसे ज्यादा अच्छे तो खान साहब ने पहन लिए आज क्योंकि तालियां बजाएं खान साहब के लिए थैंक यू क्योंकि जिनको मैं अपनी जान कहता हूं ये फिर मेरे लिए वो परचेज करते हैं और वो कहते हैं कि आप ये घड़ी बांधे नहीं 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 एक मिनट रुक जाए मैं उधर आ खान साहब क्या कह रहे हैं आप किनको आप अपनी जान कहते हैं अब बताएं क्या कह रहे हैं मैं जिससे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ उसको मैं अपनी जान कहता हूँ जो मेरे लिए ये सारा चीज़ें खरीदते हैं और ती हैं कि ती हैं ती हैं ती हैं बाकी की तफसीलात मैं और आप बाद में तय करेंगे ती का नाम बताना है कि नहीं वो बाकी साइड के जो पैसे हैं वो मुझे दे दीजिएगा इस वक्त कलाम कौन सा सुनाएंगे आप ये बताएं द लेजेंड ऑफ नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कलाम इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दिया कितनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियां मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा
हिम्मत का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। जब मैं पहुंचा दरे शाह लौलाक पर, झुक गया खुद ब खुद उनकी चौपट पे सर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर, जा तेरी खुद किस्मत खरी हो गई, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। धननी सा 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 धननी सा 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 धननी सा सा ग ग sagama gamada madani daniza sagama gamada madani daniza sagama gamada madani daniza sagama daniza sagama daniza sagama daniza ni pehle mujhe kaun janta tha, pehle mujhe kaun janta tha, pehle mujhe kaun janta tha, is karam ka karu shukr kaise ada, jo karam mujh pe mere nabi kar diya, सजाता था सरकार की महफिलें, सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अजमतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अजमतें रिफ़अतें, मैं गुनाहगार था बे में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं, देखें मेहमान नवाज में आप सब भूल जाएं, एक चीज आपने नहीं भूलनी है मेरे प्यारे व्यूअर्स और पाकिस्तान, वो मैं ये सॉन्ग कह रही हूँ जिससे जिसमें वो बड़े तमीज़ के साथ, बड़े एक मखसूस अंदाज के साथ सेलेब्रिटी कहते हैं, फिर वो एंटरटेनमेंट भी कहते हैं, तो हमारे सिंगर जो हैं वो उन्होंने ज़बरदस्त ये सॉन्ग गाया है, लेकिन ये सॉन्ग आप अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड करें अपनी आवाज़ में, बिल्कुल कॉपी करें वही वर्ड्स वही प्रोनंसिएशन जैसे उन्होंने प्रोनाउंस किया है, और ये रिकॉर्ड करके हमें भेजें हमारे व्हाट्सएप के इस नंबर पर, हम आपको आपकी फैमिली के साथ इस ऑडियंस का हिस्सा बनाएंगे, आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे और आपको ये मौका देंगे कि आप अपना रमज़ान का एक रोज़ा कोई हमारे साथ इफ्तार करें, प्लस हमारे सेलिब्रिटीज़ जो आ रहे हैं यहाँ उनसे लाइव मिल सकें। अच्छा ये तो बाकी तफसीलात हो गई, भाई एक तफसील आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, आप समझते ही नहीं हैं, इधर आएँ सुने गौर से कान खोल के, मेहमान नवाज आपके लिए लाया जाता है कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल वालों की जानिब से, जबकि इसमें हमें तावन हासिल है कनौर का, सर्फ एक्सल का, ख़याबान अमीन हाउसिंग स्कीम का, इसके साथ साथ हमारे पार्टनर्स इसमें ये भी हैं सर्विस शूज़, निशात लिनन, रोज़ पेटल, मिचल्स, पेप्सी और सेवन अप, और ऐसा थोड़ी है ऑडियंस का हिस्सा मैं भी बनी हुई हूँ आज, हम सबको गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे कॉनकोडिया कॉलेज से, सोकमा लॉन से, ओलिविया से, कोलगेट से, पाम ओलिव से, फोटाइल किचन से, मीट वन से, ब्रिज पावर बैटरी से, अब कोई एक सांस में सारे स्पॉन्सर बोल के दिखाए, कौन दिखाएगा एक सांस में, एक सांस में बोलोगी, आओ माइक दें इसे जल्दी से माइक, शाबाश ये वाला सारा नीचे का ठीक है, हाँ शाबाश हो जाए, बैठ जाओ बैठ जाओ, यस गिफ्ट कॉर्टेसी बाय कनकोडिया कॉलेज सोकमा लॉन ओलिविया कोलगेट पामोलिव फोलिट्रिक किचन मेट वन एंड फ्रिज पावर, नॉट बैड, तालियां गिफ्ट हैम्पर दें भाई इनको।
मैं तो यार अपना कार्ड ले जाने क्या पता दो दिन बाद तुम यहाँ आ जाओ मेरे तो फिर तुम्हें प्रोग्राम करना पड़े इंशाल्लाह कभी आप भी ज़रूर आएंगी। हाँ जी सो प्यारे पाकिस्तान दिखाते हैं अभी कि उधर क्या हुआ ज़रा यहाँ तो पूछ लें। मरियम व्हाट वर यू सेइंग अबाउट असद मलिक स्कीमा नॉट असद मलिक स्कीमा एक्चुअली द मेन सीम इज़ मेकिंग व्हेन ही सेड फर्स्ट आई विल मेक कीमा I thought like again it's right qima you know because the until today the all the qima dishes that we taste was dry and not so juicy, tasty yes. yeah not juicy but today I'm thinking it will be too much juice and it will be such like a soup qima soup it will be a mince soup exactly because you know it's the best way of making more moisture inside the qima adding some vegetables which is juicy for example tomato or some chicken or beef stock okay but until and unless you taste it you can't you know yeah we can't know but yes. too much sade pani am I right sada pani sada pani sada pani plain water Mariam, you know what I feel so ashamed of myself sometimes but, You are learning quickly. Oh, Mariam, you haven't made me learn. Because Turkish. I have to learn. Turkish. Everybody making gossip. I can't understand. That's why I'm learning. Okay. I'm missing so all the good gossips. That's why. I want to make gossip okay. also. Okay, मैंने जब इसको उर्दू learn करते देखा तो मैंने लोगों से यही कहा कि 6 महीने के बाद अब भाई हम कहीं नहीं होंगे यही होगी सबसे ये शेफ राद आपकी अपनी जगह शेफ मरियम की अपनी जगह और अब चल के देखते हैं जी कि उधर डाइनिंग टेबल पर जब अफ्तार खुली तो जो खाना दिखाया गया था और खाया गया है तो इन लोगों ने क्या क्या बोला क्या कमेंट्स थे आइए देखते हैं कि असद मलिक ने कैसे की मेजबानी खुदा जिसने की जुसत जू मिल गया उसको तू सब का तू रहनुमा है खुदा ये जमीन ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनिया हैं सब में तेरी झलक है खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सब का तू रहनुमा है खुदा The moment of truth. इसमें चीनी नहीं डाली मैंने। नहीं मैं मेरी बेटी को मैं ये रोज़ बना के देती हूँ। ओह। बिल्कुल सही। आ गए। इसको मीठे की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, exactly इसलिए इसमें खजूर। वाह। क्या बात? मज़ा आ गया। जो आपने कहा था ना, उससे भी बेहतर है। बहुत ही मज़ेदार। बहुत मज़ेगा। बल्कि पानी की ज़रूरत नहीं भाई मैं आपको सर्व करता हूँ प्लीज थैंक यू जजेस की प्लेट बना ली जजेस की प्लेट नहीं बना लो जी शुरू करें प्लीज आप लीजिए बस बस थोड़ी सा और थैंक यू भाई थोड़ा सा आधे 2 रुपए का कीमा बिल्कुल 2 रुपए का ज़्यादा नहीं देना ये बस बस बहुत Oh yeah, salad, please. Have some. अब गुजर गया हाँ ओके
इसके साथ ऐसे टेस्ट आता है, एक साथ टमाटर भी खाया जाता है। बिल्कुल। और टमाटर वैसे भी खाना चाहिए, खाना चाहिए। जैसे कि आयरन जो है वो एब्जॉर्ब ही तब होता है जब आप उसके साथ विटामिन सी खाएं। लेकिन उसके बीज निकाल के। हाँ, वरना वो किडनीज के लिए अच्छे नहीं। Exactly. कपूर की नाम भी बिना लड़के ही दिए। कैल्शियम ऑक्सीलेट्स। हाँ। स्ट्रेट पथरी। मुझे नहीं लग रहा। वो इसको नहीं। If you know it's mutton, mutton will always smell. नहीं, लेकिन मटन में उन्होंने चर्बी ज़्यादा डाली हुई है ना, उसकी उसकी है होती है। अगर आप खुद मटन करवाएं ना खाली गोश्त, उसमें से नहीं आते ये जो चर्बी वाला डालते हैं ना। और लहसुन भी ज़रा ज़्यादा डाल दो ना। हाँ, लहसुन, आई थॉट लहसुन से बू जाती है, बू भी जाती है और उसकी वो जाती है उसका बुरा जो भी होता है। Exactly, cholesterol type. हाँ, वो सारा ठीक करता है। और आलू गल गए? आलू गल गए, गले पड़े। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको मेजबान खाना में खुशामदीद। आप देख चुके हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वो पेट भर कर खा चुके हैं, कीमा उन्होंने नहीं छोड़ा, दाल चावल वो चट कर गए और अब वो चाय के मुंतजर अपनी जगह पर बैठे हैं। और असद भाई ने जबरदस्त किस्म का कावा तैयार कर लिया। ये कावा, ये कावा नहीं 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 असद, अभी आप नहीं ले जा सकते। ये तो इतना अट्रैक्टिव कावा लग रहा है कि इसकी मुझे रेसिपी बतानी पड़ेगी। बिल्कुल। ये क्या है? इसके तो पैसे लगेंगे। इसके पैसे आपको मैं कान में बता दूंगा, फ्री बता दूंगा। अच्छा, लेकिन ये पेशावरी कहवा टाइप का कुछ बनाया आपने? जी, ये जो लेमन ग्रास इसे कहते हैं, उसके अंदर एक चीज और मिक्स की है। अच्छा, इलायची का टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि अदरक से अदरक ही से काम चलाया जाए। ओके। और एक्स्ट्रा वो एनहांसमेंट के लिए एक लेमन का टुकड़ा भी साथ रख दिया, जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा, वो ये भी ले सकते हैं। और आप अपना जो डिजर्ट था वो अब आप इसके साथ दे रहे हैं? इसके साथ। ठीक है, चलिए जी, देखते हैं आपके जो मेहमान है उनमें कितनी एनर्जी आई है आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने के बाद। यस, लेट्स सी। लीजिए जनाब जी। तो कैसा लगा आप लोगों को आलू कीमा फाइनली बनने के बाद? हाँ, सारी चीजें डाल दी, कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन मीठा कहाँ है? मीठा नहीं, वो वहाँ से ऐसे एक वॉक ले रहे थे। मैं एक वॉक ले रहा था। ये भाई कहवा आपने पहले दे दिया असद, मीठा भूल गए हैं। बिल्कुल नहीं भूला था। मैं सोचा था पहले चाय पी दी, उसके बाद जाके वो जब टेबल खाली हो जाएगी फिर लाऊंगा। ओके। अच्छा, वैसे ये शेफ राहत से पूछते हैं कि मीठा कहवे से पहले सर्व करना चाहिए या कहवा पीने के बाद? कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारो, टेक्निकल क्वेश्चन। आप उसके साथ भी दे सकते हैं और उससे पहले भी दे सकते हैं। अच्छा, बाद में नहीं दे सकते। बाद में नहीं देना है। आगे बच गए, बच गए, बच गए। अभी कावा खत्म होने में 2 मिनट हैं। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, थैंक्स अ लॉट। अब मीठा सर्व करें भाई। आप बैठ गए तो आपको एक बार फिर बता दूंगी आपको। मैं सोचा था चाय पी ले फिर मैं कर दूं। नहीं नहीं नहीं, ले करें भाई। ओके, जिंदगी में यही तो एक दिन है। ये नाजी आप पकड़ सकती हैं। नाइस, ओके। ये आप मैंगो डिलाइट को ज्यादा हल्का ले रहे हैं, आप लाइट काफी। एक बस हौला हाथ, हौला 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 प्लीज, बस 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 बस। दिल के बारे में सोचो हमारे। अच्छा, इसी के साथ साथ असद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सेगमेंट में हमारे जजेस आपका खाना टेस्ट करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने दोनों शेफ जजेस से, क्या ये टेस्टिंग कॉर्नर की तरफ। ये वो दाल पहुंच चुकी है जिसमें के जो तड़का लगाया गया है वो देसी घी का है और कीमा भी देसी घी में बना हुआ है। पहले हम स्टार्ट करेंगे दाल से। यू आर गोइंग फास्ट टुडे। ओके, फर्स्ट आई वांट टू से दैट द व्हाट यू कॉल द ड्रिंक? ओह, दिस इज कॉल्ड द शेक ऑफ पावर। शेक ऑफ पावर, शेक ऑफ पावर। इट्स रियली नाइस, एस्पेशियली फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट हैव ब्रेकफास्ट। इट्स सो रिच, इफ यू डोंट हैव ब्रेकफास्ट यू कैन जस्ट ड्रिंक इट एंड गो आउट, यू नो। एक्चुअली असद, इस ड्रिंक के बाद खाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें दूध है, लेकिन ये इफ्तार पे देने का नहीं है, इसे आप सहरी में देते तो ज़्यादा बेहतर था। शेफ ठीक, प्लीज एक बात, ठीक है, ये उन्होंने बनाया तो कंपटीशन में सेपरेट सेपरेट डिशेज है ना, तो उसको उसके हिसाब से नंबर्स दे दें।
हाँ नंबर तो एक्चुअली इनको मेन नंबर तो टेस्ट के होंगे, क्वालिटी के होंगे, लेकिन ये तो साइड में इन्होंने अपने अपनी मेहमान नवाजी दिखाने के लिए। मैंने पहले ही थोड़ा सा बताया था कि अफ्तार में चूंकि सारे दिन के आप बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुके होते हैं, तो उसके लिए ये बड़ी एनर्जी ड्रिंक बन जाती है, और यही आप सहरी में भी चला सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल ठीक बात है, बेसिकली सहरी के लिए होनी चाहिए। ओके, अच्छा पहले मैं पूछने जाऊंगी शेफ मरियम से। मरियम, डिड यू टेस्ट दिस दाल एंड चावल? ओके, दिस इज हाउ वी सपोज टू ईट इट, वी कंबाइन इट विद राइस एंड देन वी ईट इट। आई लाइक इट, इट्स नॉट सो स्पाइसी। Rice is a little bit tasteless, but you know this is the type of the serving. But I like them, and also I get so surprised that the potatoes are cooked. Yeah. I was expecting uncooked potatoes, but they are cooked, and I like the taste. Yay! You like this mince and exactly. It is not the dry as we taste before. Yeah, it's better than all the qimas before our competitors cooked. Okay, so now Chef Rahat, dal chawal. आपने बकरे के का गोश्त का कीमा आपने बनाया है, पकाया है, तो कीमा अच्छा है। इसमें एक खास बकरे के गोश्त में खुशबू होती है, जिसे लोग आमतौर पे हीक कहते हैं। वो हीक नहीं होती, उसका फ्लेवर होता, उसका नेचुरल फ्लेवर है जो कि कीमे में मौजूद है, और ये मुझे अच्छा लगा है। अरे ये तो कमाल हो गया, ये तो कोई उल्टा ही काम हो गया। अरे वाह, अच्छा भाई, नहीं नहीं, एक मिनट, आई हैव टू रेज अ पॉइंट। नो नो नो, ये उल्टा हो गया काम। शेफ जजेस, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जितनी देर लगी है, जितना सब कुछ हुआ, और जितना आप पे बार बार हम टॉन्ट कर रहे थे, इतना पानी डाल रहे हैं, इतना मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये वाले कॉमेंट्स। अच्छा, दाल आपकी अच्छी है, और नमक मिर्च सब बिल्कुल दुरुस्त है, चावल के साथ खाई जाए तो बिल्कुल सही है। क्या बात है भाई, ये पीछे पीछे को रिश्वत का काम चला है। ये क्या हुआ है? पर्ची, पर्ची। मैं आपको सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये रिजल्ट मुझे, ये बात इतनी बड़ी बात सुनने को मिलेगी। मतलब माशाल्लाह, जो मुझे लग रहा था, ये जो पीछे बैठे हुए हैं ये खास तौर पर ये नसीम ने तो कह कह के कीमे और आलू को रुला दिया। लेकिन इनके इस तरह से कहने की वजह से उसको और टाइम दिया गया, और उससे वो बेहतर हो गया। ओके, तो अब है मीठे की बारी। जी, ये रहा आपका चम्मच, मेरे हाथ में अमानत। मैं चख चुकी हूं। नहीं नहीं, आप मैंगो डिलाइट। मैंगो डिलाइट, मैं दो बार डिलाइटेड हो चुकी हूँ। अच्छा, ओके मरियम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैंगो डिलाइट? The Pakistan has the best mangoes that I have ever had. Pakistan ke liye, Pakistan ke liye, meri us zameen ke liye jo ye khoobsurat mazedar phal khushboodar ugati hai, uske liye bahut sari taaliyan. Dharti maa ke liye. That's why even you put it inside a drink or mita, it is delicious. But instead of the mango, there is not so much work in the mita. अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि आम को तो जिसमें भी डाल दो वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि गालिब कहते हैं कि आम दो ही लोग नहीं खाते। अच्छा, आपके सारा मील देखा मैंने, और साथ में ये इतना हैवी ड्रिंक फुल ऑफ कैलोरीज है, और साथ ही जब ये आपने पिया तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। देखिए, ड्रिंक तो उन्होंने अलग से बनाया। अच्छा, आप इस पे मैंगो डिलाइट, उसके बाद इनको नंबर मिलने जा रहा है। उसके बाद आप अगर फ्रूट सैलेड बनाते तो वो ज्यादा बेहतर था, तो इन सारी चीजों को वो बैलेंस करता, बट इट्स नाइस। थैंक यू सो मच, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा, बहुत बड़ी टिप है। ओके जी, अब शेफ देंगे आपको मार्क्स, पढ़ पढ़ के फूकना चाहते हैं तो आप वहां से फूक सकते हैं। ग्रुप ई का दूसरा दिन, आज बने हमारे स्टार असद मलिक। आज के प्रोग्राम में शेफ रिसीव किया उन्होंने अपने तीनों मेहमानों को, विनीज अहमद, असमा अब्बास और नसीम विकी को। अब हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्तों नाजी और अली के पास जाऊंगी। भाई, क्या हो गया आज तुम्हारा, इन लोगों को रखने का इरादा है? बिल्कुल भी नहीं, इनको भेजने का इरादा, ताकि पता चले कि कहाँ अब तक सिचुएशन पहुंची है। और जजेस के रिमार्क सुनने के बाद आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कितना दिल खोल के खाया इन्होंने आज।
हिला नहीं जा रहा कि कीमा मैंने जो खाया है आप बिलीव करें कि मेरा उस जगह पे जाने को दिल कर रहा है जहां जहां वो बकरा फिरता रहा है। सोच ले, एक बार फिर सोच ले। बहुत जबरदस्त जी। तो आप लोग क्योंकि चाय पी चुके हैं, मीठा खा लिया, तमाम मेहमान नवाजी भी हो गई, तो अब नतीजे का वक्त है। तो आप लेकिन देखें करेंगे? अभी अभी मेजबान खाने का वक्त खत्म हुआ है, हमारे प्रोग्राम में अभी दो सेगमेंट बाकी हैं। एक अगर आप लोगों ने कहा कि छुट्टी करनी है और घर जाना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बगैर नतीजे के कैसे घर जा सकते हैं? के बगैर तो जी आप लोग अब यहाँ से असद ने अपना लहू देकर खाना बनाया है उस पर आपको कमेंट करने ही पड़ेंगे। पड़ेंगे और ताने इतने मारे थे, उसमें बातें इतनी की थी कि कीमा गैरत खा गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखिए कल आपसे मुलाकात होती है, आपसे मुलाकात तो होगी लेकिन हमारे किचन में कौन होगा? कौन होगा? बकरा। ओके जी, बकरा। थैंक यू वेरी मच। मजेदार दिन था, मजे की कुकिंग भी हुई और वैसे भी मजा भी आया, एंटरटेन भी हुए हम। तो हम यहाँ और अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने लिए खाना अलहदा करवाया था। तो आपसे कल मिलते हैं, कल कैसा खाना होगा पता नहीं। सो अभी के लिए खुदा हाफिज। हमारी तरफ से खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जी मेहरबान कदरदान ने खुदा हाफिज कहा लेकिन रुक जाएं, तजस्सुस फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि ब्रेक के बाद हम मिलेंगे यहाँ इस सेट पर अपने सारे चारों मेहमानों से, ग्रुप ई के कंटेस्टेंट से। नंबर कितने दिए जाएंगे और असद मलिक की इस ग्रुप में सेमीफाइनल में जाने के लिए पोजीशनिंग क्या होगी, ये आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं। अच्छा जी, वक्त है मेहमान नवाज में। अब उनका जिससे एक्चुअली जिन लोगों से इस प्रोग्राम की असल रौनक होती है, हमारे ग्रुप के चारों कंटेस्टेंट, ग्रुप ई के कंटेस्टेंट चारों। वैसे तो हर ग्रुप के बड़े मज़ेदार हैं मगर हमारा टाइम इनके साथ भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपकी बहुत सारी तालियां, असद मलिक का बनाया हुआ खाना उन्होंने खाया है आज। चारों यहाँ मौजूद होंगे और ऑनेस्टी के साथ बताएंगे कि असद को कितने मार्क्स देंगे, उनकी कमेंट से पता चल जाएगा। मेहमान नवाज जो आपके लिए लेकर आता है कश्मीर बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, आप वेलकम करेंगे असद मलिक को, असमा अब्बास को, विनीत अहमद को और नसीम विकी को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी वाली दावत उड़ा कह रही हैं हम, अच्छी वाली दावत उड़ा। अच्छा ऐसा हो रहा है? स्ट्रेचर। हाँ कहाँ बैठ रहे हैं? यहीं बैठ जाए। अब मैं कहीं और बैठ रही हैं। कहीं और बैठ रही भाई। अभी तो आपको मेरे पास काफ़ी अभी काम है जिसमें इतनी एक्टिविटी होगी जिसमें आपका खाना हजम हो सकता है। वैसे भी आप कहवा पेशावरी पीकर आ रहे हैं, अदरक वाला बड़ा होलसम खाना खाकर आ रहे हैं। हाँ लेकिन लेकिन आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। लेकिन लेकिन जिस तरह से वो लग रहा था और कीमा जैसे घुटे जा रहा था तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका फिर कुछ बनना ही था ना। उसका वो ऐसा ही आइटम बना है जिसमें लोगों को पसंद आया है बहुत। थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड। अच्छा वैसे ये कितनी दफा आप कितने सारे किलो कीमे को खराब करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं? कितनी प्रैक्टिस की आपने, कितने बकरों पे? दो बकरे। ये दूसरी बार थी। अच्छा दो, अच्छा दूसरी बार, मैंने कहा दो बकरे। अच्छा दूसरी बार थी वाकई? तो ये घर में बनाया था कि कहीं शिकार पे गए थे? घर में शिकार पे तो वो दूसरा गोश्त बनता है ना। ये सेल्फ क्रिएशन है ऐसे ही? हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे घर में बनाया था वही तरीका आया था वही करता चला गया। ओह तो घर पे लोगों ने पसंद किया? ठीक था। ज्यादा नहीं घर पे पजीराई मिली, घर वालों ने इतनी लिफ्ट नहीं कराई थी। लेकिन सच बताऊं वहाँ थोड़ा बेहतर इसलिए बन गया था कि वो जहन पे कोई वो नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था मेरे ऊपर। यहाँ तो आज था है ना, जल्दी 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 बहुत सारी चीज़ें करनी थी। आप लोग स्मार्ट भी तो है ना, कल इन्होंने इनको तीन टास्क दिया, चार पांच चीज़ें बनाई, ये भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी। उसके बाद कहती हैं हाँ यहाँ वापस आई हैं, क्यों थी बेचारी स्वीट। आज आपका भी यही हालत है मुझे अंदाजा बात है। मैं अब मैं समझ सकता हूँ कि कल असमा ने कितना अजीम काम किया है इतनी देर में, इस टाइम स्पैन। तो कल कौन सा बकरा कहाँ जा रहा है, आप जा रही हैं या आप? देखिए ये कल वक्त डिसाइड करेगा है जी। चलें अब वक्त है जब हम आपकी राय जानेंगे, आप अपने आज के मेज़बान को नंबर देंगे, उनके बारे में सच सच बयान करेंगे। तो आप बताएं
कि आप सबसे पहले राय खाना में किसको भेजना चाहेंगे? आसमान को। इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है क्या आपको? नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कि दोस्त है और बहुत हाशस्त काम साथ किया है, तो पहले मैं इसको शायद कुछ जगी गली कर रहे नहीं जो है बस वही। ठीक है जी, राय खाना तैयार है आपके खुश आमदीद के लिए। आप जा सकती हैं यहाँ से। और आज तो बाय द वे इनका पहला दिन है राय खाना का, क्योंकि कल तो इन्होंने खुद बनाया था, तो जो बनाता है उस दिन वो तो जाता ही नहीं है, तो आज देखते हैं कि ये कैसी राय देती हैं। वैसे आपने अपनी बेगम के बारे में, विनी भी मुझे बता रही है कि आपकी बेगम बड़ा, जो जैसे बताया कि बड़ा डर है, अपनी बेगम से सीखा है तो बड़ा अच्छा खाना बनाएंगे आप। ये बताएं कि कहा जाता है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके मेदे से होकर गुजरता है, ये सही है? इनके तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ना, कि बस ये तो हकीकत है, हाथ का खाया तो कभी बाहर नहीं खाया उन्होंने। हाँ, शादी के बाद। अच्छा, जब बेगम से लड़ाई होती है तो फिर खाना भी बुरा बनाती है वो? नहीं, खाना वो अच्छा बना के देती है, उसकी सिर्फ एक ये अच्छी क्वालिटी है कि नाराज होती है लेकिन प्लेटों की आवाज़ देती रहती है कि ये खा लो, उसका पता होता है कि इस बात के बाद मान जाएगा। और अच्छा, ये इस पर किस हद तक सदाकत है कि जो बीवियाँ अच्छा खाना बनाती हैं वही अच्छी बीवियाँ होती हैं, ये सही है कि मैं भी कहने वाली बात है? जो किचन में अच्छी नहीं खातून वो बीवी अच्छी नहीं हो सकती, ये तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल गलत है, है ना? अच्छा, मैं भी नहीं, मैं एक बात इस पर कह सकता हूँ, वो ख्वातीन जो किचन में अच्छी ना हो, ज़रूरी नहीं कि वो ख़ुद भी अच्छी ना हो, सकता है वो बहुत अच्छी हो। हाँ, हर एक अपना टैलेंट, लेकिन जो किचन में अच्छी हैं वो डेफिनेटली अच्छी होती है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि ऐसा ही है, एफर्ट कर रही है ना, एफर्ट कर रही है। द होल पॉइंट इज कि वो प्यार में, अब मैंने खाना पकाना अपने मियाँ की वजह से, अम्मी अबू ने भी सिखाया था, लेकिन ज़्यादा एफर्ट मैंने इसलिए की इससे कि मैंने उसको खुश करना। जैसे आपने कहा ना, दिल का रास्ता है ही खाने पकाने में, तो कोशिश तो ये होती है कि मैं जो नहीं पकाती फिर उनको बातें सुननी पड़ती हैं। सही। हाँ जी, पहुंच गई हैं वो रायखाना में, देखते हैं आसमान जी क्या कहती हैं। फरमाने इलाही है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात कहो। आप अहद करें, यहां जो कहेंगे सच कहेंगे। आपके पास हैं 2 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है अब। बिल्कुल सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, इसलिए नहीं कि असद मेरा दोस्त है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि असद वाकई इतना अच्छा खाना बना सकते हैं, क्योंकि जो हालात थे ना वो तो बड़े बुरे थे, पानी के छप्पड़ लगे हुए थे, अंदर लगता था मछलियाँ तैरेंगी अभी, और समझ नहीं आई थी कि चुपके से पानी करके ऐसे साइड पर निकाल दें, इतना पानी था उसके अंदर, क्योंकि बोतल ही पूरी उंडेल दी थी। फिर घी की फरावानी थी, घी भी बहुत डाला, देसी घी, और एक ख़ास चीज़ थी कि जो भी मसाला घर में जितने भी मौजूद थे वो मेरे ख्याल में सभी डाल दिए, उसको खुद भी याद नहीं हुआ कि उसने डाला क्या है, बस डाले क्या। लेकिन अल्लाह ने भलाई किया कि उसका टेस्ट जब वो बना तो बहुत ही कमाल बना, बहुत ही मज़ेदार बना। और एक चीज़ जो हमें, मुझे और असद को खुद से लगी, जैसे कि ये तो ज़रूर नेगेटिव पॉइंट होगा, हैरत की बात है कि शेफ राहत ने कहा कि वो उनको अच्छा लगा। अभी अपनी अपनी पसंद की बात है, वो जो एक बकरे की स्मेल होती है गोश्त की, वो जो चर्बी होती है उसकी, हम लोग तो बगैर उसके ज़रा चर्बी साफ़ करा के बनाते हैं, ये चर्बी समेत था गोश्त, लेकिन वो पॉजिटिव पॉइंट बन गया, तो कोई बात नहीं, यकीनन वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। दाल चावल तो दाल चावल होते हैं, लेकिन बड़े बुरे होते हैं, दाल जो है कई दफ़ा पानी ऊपर होता है, दाल नीचे बैठ जाती है, दाल को घुला मिला होना चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी बात है, और उसका तड़का भी बहुत अच्छा था और चावल खिले हुए थे, अगर इसमें थोड़ा सा देसी घी डल जाता तो खुशबू भी आ जाती थोड़ी सी, तो और मज़ा आ जाता। एनीवेज़, मेरे ख्याल में तो असद ने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है और बहुत अच्छा खाना बनाया, और कल को ये रेडी लगा सकता है, मुझे फिक्र नहीं है, तो फर्स्ट करो ड्रामों से फारिग हो गया तो रेडी लगाएगा, इतनी अच्छी दाल चावल की रेडी और साथ की मालू, और साथ इसको मैं असिस्ट करने की ख्वाहिश जाहिर करूँगी अगर वो चाहेगा तो। अब नंबर देने की बारी आई है। अच्छा जी, आ
हाँ जी असद, दिल की तसल्ली हुई कुछ कमेंट सुन के? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी है, बस मैं क्या कहूँ। वैसे ही सारा सिस्टम उल्टा भी हो सकता है, बजाय तारीफें बहुत हो रही है, नंबर दिए हैं 5, 6, 7 इतना काफी है। इसने किसी ने मुंह से कह दिया, आई थिंक वो सबसे बड़ी एक सर्टिफिकेशन। लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं, कंपटीशन में जीतने के लिए आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। राइट राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये टीवी पे तो कमेंट्स हैं, लेकिन जब सेमीफाइनल में आना है वो सिर्फ नंबरों से आना है। वहाँ किसी का दोस्त, किसी का कुछ नहीं चलना, नंबर चलने हैं, आपका टैलेंट चलना है। आपकी बहुत सारी तालियां अस्मा अब्बास के लिए। और जी अब असद, सेकंड नंबर पे आप किसको भेजना चाहेंगे? विनी को। विनी को, यस, जाइए जी राय खाना में, विनी जाएंगी। और पता नहीं क्यों ये मेरी गट फीलिंग है कि विनी दो चीज़ों के बारे में अच्छा कमेंट देंगी और दो के बारे में तनकीद करने वाली है। मीठे के बारे में आपने सारे ख्याल नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैंने मीठा खाया है, लेकिन बहुत मीठा था। अच्छा, वैसे एक बात है, आपने कल भी अपने आप जब पकाई थी तो मैं ये नोट करी थी, जब आपने लोगों को सर्व किया, लोगों ने आज रीकैप में शायद नोट भी किया कि आपने बहुत कम खाया, बिल्कुल नहीं खा रही थी आप, और आज भी आपने मीठा क्यों? खैर है वो? नहीं, मैंने खाया है आज, तो इसने का बेड़ा तर्ज है, इसने मेरी डाइट का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि आज मैं रह नहीं सकी और मैंने खा लिया। लेकिन अच्छा, मैंने अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। अच्छा, तो मैं मीठा नहीं खाती, बल्कि बहुत सी चीज़ें नहीं खाती। हाँ, रोटी भी नहीं खाती, चावल भी नहीं खाती, और मीठा भी नहीं खाती। ये डायबिटीज़ की वजह से नहीं खाती या डाइट कर? डाइट और डायबिटीज़ दोनों बहन भाई हैं, तो वो उसकी वजह से ही, डाइट कंट्रोल करने से ही, क्योंकि शुगर इज़ अ लाइफस्टाइल। वो आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है, कि डिजीज़ नहीं है, वो आप बदल लें तो वो उससे बहुत बेहतरी हो जाती है, जो कि मुझे हुई है। इसलिए मैंने तो अपना बिल्कुल समझे सब कुछ ख़त्म कर दिया है, हर चीज़ चेंज किया है। शुगर के लिए आई थिंक वॉक, ब्रिस्क वॉक। हमारे पास वक्त है। चलें जी, विनी पहुंच गई है वहां। पहुंच गए। फरमाने इलाही है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात कहो। आप अहद करें, यहाँ जो कहेंगे सच कहेंगे। आपके पास हैं 2 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है अब। डेफिनेटली सच बोलूंगी, मेहमान नवाज वो बहुत अच्छे हैं। जब हम आए उन्होंने, हालांकि स्ट्रेस में थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि वो हर एक को अटेंशन दे सकें। खाना जैसे पहले भी अस्मा ने कहा कि कंफ्यूजन थी, पानी बहुत था, घी डल रहा था, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि अच्छा खाना पकाएंगे, लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। कीमा मज़ेदार था, दाल भी अच्छी थी, हालांकि तड़के में उन्होंने ना लहसुन डाला ना प्याज डाला, लेकिन वो सौंफ और मिर्ची का तड़का दिया देसी घी का, बड़ा मज़ेदार लगा। रोटी होती तो ज़्यादा मज़ा आता। नान मुझे ठंडे नान पसंद नहीं हैं, और बाहर के बने हुए थे तो वो ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए था। टेबल सेटिंग जैसे पहले भी कहा गया, ज़रा थोड़ी सी ब्राइट होती तो मैं ज़रा खुश होती, वो ज़रा थोड़ी डल थी, नैपकिन नहीं थे, बट उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ से बहुत इम्प्रेस किया, बड़ा अच्छी उन्होंने हमद गाई, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, मुझे नहीं पता था ये भी टैलेंट इनके पास है। उनका जो मिल्क शेक था बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है, वाकई वो जो पूरे दिन का रोज़ा था, जो भूख लग रही थी, एकदम एनर्जी आई, घी से पहले बड़ी एनर्जी आई, बड़ा मज़ा आया। मैं अपनी बेटियों को रोज़ ये पिलाती हूँ, तो मुझे तो बड़ी इसके जो फ़ायदे हैं वो पता था कि बहुत फ़ायदेमंद है। आई रियली लाइक्ड इट। रह गया डिज़र्ट, डिज़र्ट ठीक था, बहुत मैं खुश नहीं हुई, बहुत हैवी हो गया, कि पहले जैसे शेफ़ राहत ने भी बोला, अब मुझे भी यही फीलिंग आई कि मिल्क शेक भी है और फिर क्रीम वाला डिज़र्ट भी है, ज़रूरी नहीं था। वो खाना इतना होलसम था, इतना मज़ेदार था, कि उसके बाद इतनी क्रीम खाना ज़रूरी नहीं मुझे लगी, बट खाना बहुत अच्छा था, बहुत मैं इम्प्रेस हुई, कि मुझे नहीं ये उम्मीद थी कि वो इतना अच्छा खाना पकाएंगे, लेकिन वाकई पकाया। तो अब ये होगा। सामने रखे कार्ड पर 20 में से अपनी मर्जी के नंबर्स दें, लिफाफा सील करें और अपने सामने रखे बॉक्स में डाल दें। दो डिजिट है ना? सब लोग, आपने भी 2 डिजिट डाली थी, ये आप जरा सोच लें।
ये टू कुछ भी हो सकता है, 1-0 भी हो सकता है, खुश ना हो ज्यादा। हाँ भी हो सकता है, 0-1 भी हो सकता है। ये और जी अब मेरा ख्याल है जल्दी से, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, आप जाएंगे, हम आपके कमेंट सुनना चाहते हैं। नसीम विकी मेरे? जी बिल्कुल, आप जाएंगे राय खाना की तरफ और आप बताएंगे कि आज का खाना, आज की दावत आपको, ये देखें, ये दोबारा करके जाएं, आए भी नहीं, इनसे आपको डर है ना, इनसे आपको डरना चाहिए, आपको यूं करके आपको अब उधर बैठना चाहिए। अच्छा क्यों? बराबर फिर इनको भी सिक्योरिटी चाहिए हो? नहीं इनको सिक्योरिटी चेक के नहीं, बस ये थोड़ा सा सिलसिला है। नहीं मुझे सॉरी, लड़कियों मेरे से सिक्योर है, भूल गए थे। मेरी जिंदगी अच्छा? का एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का एक असूल है कि कोई लड़की कुछ 10-12-15 साल से पहले मैं इतना वो नहीं होता था, लेकिन अब मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि लड़की आपको गाली भी दे दे तो आप मुंह उधर फेर के चले जाओ, उसको जवाब कभी भी ना दो। ये मेरी जिंदगी के असूलों के खिलाफ वो है चीज़, तो कभी भी किसी लड़की को मेरे से कभी कोई खतरा नहीं है। तो क्या काम है? नहीं 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 नहीं, नहीं। उसने टेबल प्रेजेंटेशन पे बोला। हाँ सिर्फ नैपकिन भूल गए थे। हाँ नैपकिन भूल गए थे आपने कहा, और फिर आपने कहा कि वो टेबल सेटिंग की वो इतनी कोई बहुत मर्दाना टाइप थी ना, मर्दाना टाइप थी। अच्छा जी वो वहाँ पहुँच गए। हाँ जी अच्छा अच्छा, नैपकिन एक ही था, उसकी गलती नहीं, मिला ही नहीं मुझे। अच्छा नैपकिन मिला नहीं। हाँ जी नसीम विकी, फरमाने इलाही है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात कहो। आप अहद करें यहाँ जो कहेंगे सच कहेंगे। आपके पास हैं 2 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है अब। हमने सोचा था कि असद भाई आज हमारी उम्मीदों पे पानी फेर देंगे, लेकिन उन्होंने पानी पे उम्मीदें फेर दी और जो भी पकाया कमाल पकाया, कीमा मतलब ज़बरदस्त, दाल चावल ज़बरदस्त, और जो शेख था वो ऐसे ही था जैसे अचानक किसी के सामने मलक और शेख, जैसे जावेद शेख और असद मलक, मलक और शेख अचानक सामने आ जाए फैन के सामने वो कितना खुश होंगे, वो शेख ऐसा ही था। तो मतलब हर चीज़ मतलब उसका जो बैलेंस था नमक का, मिर्च का, मसाले का, बहुत ज़बरदस्त था। ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी भाभी के हाथ से खाया। और इन्होंने टेबल जो सजाई थी, मतलब जो उनका एक मतलब इम्पैक्ट है असद मलिक भाई का, कि एक मतलब डील डॉल गुस्सा के ऐसे लगता है जैसे ये आदमी खुद पानी भी नहीं पीता होगा। और जो सर्व किया वो एक सुगड़ औरत की तरह किया, बहुत पसंद आया। अगर ये मेरा बड़ा भाई ना होता, छोटा भाई होता, तो मैं कहता मैं अपने भाई की शादी कर दूंगा और किसी अच्छे घर में करूंगा जहाँ से इसकी कोई बुरी इतला ना आए। वो लोग कहें कि जी आपका बेटा जो है वो बहुत बेटियों की तरह रह रहा है। तो अब बारी है लिखने की, असद भाई समझ तो गए होंगे। ये नहीं पता चलने दूंगा। अच्छा खुला हुआ है। जा रही हूँ, मगर ब्रेक पे ज़रूर जब नसीम यहाँ आ जाएंगे उनसे ज़रूर मैं ये पूछूंगी, कल आप माँ ढूंढ रहे थे, आज आपको लगा कि बड़ी भाभी ने खाना खिलाया, चक्कर क्या है, चक्कर मैं ज़रूर पूछूंगी। ब्रेक के बाद वापस आके ऑडियंस से बातचीत करनी है। एक ब्रेक। हाँ जी
प्यारे पाकिस्तान, वक्त आ गया है नतीजे का, रिजल्ट का। आज 6 बजे से जो कुछ हो रहा था मेहमान नवाज में, उस पर जैसे नसीम विकी ने कहा कि उम्मीदों पर पानी नहीं, पानी पर उम्मीदें फेर दी हैं, तो ये 2 कार्ड्स मेरे पास आपके रिजल्ट के हैं। लेकिन पहले हम जाएंगे ऑडियंस पोल पे। ऑडियंस के पास अपने गैजेट्स मौजूद हैं और ऑडियंस करेगी असद आपको वोट। 10 नंबर ऑडियंस के पास हैं आपके। ऑडियंस खाना खा चुकी है। ए और बी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, गुड और बैड। आपने करना है इन्हें वोट, ए या ऑप्शन बी को प्रेस करके, और फिर ओके को प्रेस करना है। मिनट है आपके पास एक, आपका वक्त शुरू होता है अब। चले जी क्विकली क्विकली, मुझे लगता है कि देसी घी के तड़के और जो असद बैड तो था ही नहीं ना, मैं तो लग रही हूँ ये तो सीन लग रहा है, ये तो देसी घी का जो दाल का तड़का था जिसमें विनी ने कहा कोई लहसुन कोई प्याज नहीं इस्तेमाल की गई, सौंफ का तड़का लगाया, ये मुझे लग रहा है सौंफ का तड़का लेकर चला गया हमारा सेमीफाइनल। ओके जी, बहुत कम टाइम, जल्दी जल्दी ऑडियंस आपके हाथ प्रेस करने चाहिए ए बी जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है, उसके बाद ओके को जरूर प्रेस करें ताकि यहाँ रिजल्ट आ जाए स्क्रीन पर। देख रहे हैं आप मेहमान नवाज, पेश किया जा रहा है आपके लिए कश्मीर बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल वालों की जानिब से। 4, 3, 2, 1 खड़े होकर शुक्रिया अदा करते हैं भाई ऑडियंस का। ऑडियंस ने असद मलिक उनमें शामिल हो गए, उन चंद सेलिब्रिटी शेफ्स में जिन्हें ऑडियंस ने सबसे ज्यादा मार्क्स दिए हैं। ऑडियंस ने 7.5 दिए आपको। तो असद काउंट करना शुरू करें। कल जो मार्क्स अस्मा जी को दिए गए हैं वो थे टोटल 40 में से कितने, 26.4, ठीक है जी, ये देख लें 26.4। आज ऑडियंस ने आपको दिए हैं 7.5 और 2 शेफ्स ने आपको क्या दिया है ये हम देखते हैं। शेफ मरियम ने आपके मार्क्स माइनस भी किए हैं। आपके मार्क्स माइनस हुए हैं सद, इसलिए कि आपने किचन को नीट नहीं रखा था। नहीं, वो पीछे से किसी और वो गिराया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा शेफ यू सेड द किचन वाज नॉट, इट वाज सो मेसी, आई एम जस्ट नॉट टेलिंग अबाउट द ऑन जनरली इट्स नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड यू वर रनिंग ऑल द टाइम। यस यू आर राइट। तो पाकिस्तान मरियम ने असद मलिक को मार्क्स दिए हैं ये। दिए थे 10 मार्क्स 15 में से, माइनस कर दिए 0 और 1, माइनस कर दिए 1 मार्क, तो आपके हुए 9 मार्क्स। लिखती है डिलिशियस फूड डर्टी किचन नो टेबल डेकोरेशन। ओके जी, ये आखिरी फलाफा खोलने जा रही हूँ, जो डिसाइड करेगा सेमीफाइनल में। फलाफा मैंने जानबूझ के बोला है, फवाद डर के खेलेंगे क्या बोल रही हैं आप, फलाफा यस। तो आज ये फलाफा डिसाइड करने वाला है कि आप जाएंगे सेमीफाइनल में या आप जाएंगे सेमीफाइनल में। अभी दो रहते हैं ना, आप दोनों के दरमियान जो मुकाबला है, आप जरा यहाँ तो आए ना, 26.4 मार्क्स लेकर आप भी आए, आप यहाँ से आए, टाकरा हो जाए दोनों लोगों का, अभी पता चल जाता है दोनों में से कौन ये कार्ड है, है? ज्यादा बड़ा ये हो जाएगा। ये कार्ड डिसाइड, मैं किधर जाऊँ, ये कार्ड डिसाइड करने जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सेमीफाइनल के लिए ज्यादा मार्क्स लेगा। पाकिस्तान धड़कते दिल के साथ, मुझे हार्ट अटैक होगा एक्चुअली फवाद, इस प्रोग्राम को करते करते फाइनल तक मैं जाऊंगी कार्डियो। अच्छा जी, हाँ जी, शेफ मरियम ने दिया है पाकिस्तान ये मार्क्स। असद कितना होगा,
कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 8 to 10 और आपको मार्क्स मिले हैं 11. लिखती हैं एफर्ट्स मेड फॉर कीमा वाज सक्सेसफुल एंड गुड टेस्ट. 11 मार्क्स दिए हैं शेफ राहत ने. तो असद आप खुद बताइए कि आप स्टैंड करते हैं ग्रुप ई में कहां? 27.5 मार्क्स के साथ. 40 मार्क्स में से 27.5 मार्क्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए. मगर आप ये ना भूलें कि सिर्फ एक मार्क कम है इनका. तो यू नेवर नो कि जो आप लोगों ने मार्क्स कल इनको दिए हैं वो आपसे ज़्यादा आगे ले जाएं, और हो सकता है आज आपको जितने मार्क्स मिले हैं वो आपको सबसे आगे पहुंचा दें. किस्मत किसका साथ देगी? दोस्तों ने दोस्ती का सबूत दिया है कौन, या फिर दुश्मनी निभाई है? कौन दोस्त किसका साथ देगा? हाँ जी, या फिर दुश्मनी खुल खुल के सामने आएंगी. दोस्ती निभाई है या दुश्मनी, ये तो देखेंगे हम इस ग्रुप के चौथे रोज. 2 दिन रह गए हैं जी, सिर्फ 2 दिन. फैसला हो सकता है नसीम विकी ले जाए. लेकिन अब तक 26.4 और 27.5 पॉइंट्स के साथ आप दोनों का मुकाबला जारी है. आप लोग यहाँ आए, ऑडियंस को हम खुदाफिस कहेंगे, व्यूअर्स को हम खुदाफिस कहेंगे, आइए प्लीज. और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. ग्रुप ई को बहुत दुआएं, बहुत विशेष. आप हमारे फेसबुक पे दे सकते हैं, कर सकते हैं. मोस्ट ग्लैमरस, मोस्ट एंटरटेनिंग और वर्स्ट सेलिब्रिटी शेफ के लिए भी आप वोट कर सकते हैं. इस पुराने जो ग्रुप्स गुजरे हैं उनके नाम के भी, और इस ग्रुप में भी आपको जो जिस तरह से लगता है वो ज़रूर FB पर आएँ, अपनी कमेंट का इजहार करें, ताकि हम आपको आपकी फैमिली के साथ प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और नसीम आपके लिए, विनी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. ओके जी, अल्लाह हाफिज करेंगे. कौम इंशाल्लाह 19वां अपना रोज़ा रखेगी कल. अल्लाह हाफिज. अगर तुम में कुछ खास नहीं, मेहमान नवाज तुम नहीं.